लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुसीबत में है। सुंदर बेल पे बाहर आने वाला है, वो अगले हफ्ते तक निकल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। उससे पहले हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा वरना हम पकड़े जाएंगे। लेकिन यार एक छोटा सा कंफ्यूजन है। क्या हुआ? उसने अपनी मीठी बातों से हमें धोखा दिया है। हे, तू क्या कहना चाहता है? सुंदर हमें मार डालेगा अगर पैसे नहीं दिए तो, जब वो बाहर आ जाएगा। मैंने तुझसे कितनी बार पूछा था कि पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, क्यों क्या तूने ऐसा बोला? तुम सबने मुझे मुसीबत में फंसा दिया, तो मैं मरूंगा, पक्का मरूंगा। ए, सुन तो, वो मुझे पक्का छोड़ेगा। मेरी बात तो सुन यार। जा यार। अरे मैंने अपने बॉस से बात की है, उन्होंने कमिश्नर ऑफिस में बात पहुंचा दी है, हमें अपने पैसे मिल जाएंगे। वो मुझे नहीं पता, मुझे बस पैसे चाहिए, बस मुझे पैसे लाके दो। ए, प्लीज मुझे यार। पैसे चाहिए। अरे तो डर मत, सब सही हो जाएगा यार। देख, हम कमिश्नर ऑफिस जाके उस आदमी का एड्रेस ले लेंगे और उसे ढूंढ निकालेंगे, अपने पैसे ले लेंगे हम लोग। अरे सुंदर के आने से पहले पैसे वापस ले लेंगे। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे सुन तो, मेरे पैसे चाहिए। और कितनी बार चेयर्स करना पड़ेगा? ये चौथी बार है, कभी भी ये पार्टी में टाइम पे नहीं आता। अरे क्या बात। ए भाई कैसा है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या हाल चाल? बढ़िया। नंबर लेना। हाँ हाँ। सुन, मैं सर को साइड डिश दे के आता हूँ। रुक जरा यार। सर थैंक यू। शव और कुछ चाहिए सर आपको? नो नो, आई एम कंफर्टेबल। ओके, योर अटेंशन प्लीज। डियर स्टूडेंट्स, तुम सबको यहाँ दोबारा देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। इन 5 सालों में तुम सब के सब ऑलमोस्ट सभी सेटल हो गए हैं, और कुछ लोग तो फॉरेन जाके भी सेटल हो चुके हैं। इनफैक्ट मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, इसलिए मुझे सिर्फ बिल्डिंग बनानी ही आती है। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि वक्त के साथ भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे ये बहुत पका रहा है, मैं सिगरेट फूंकने जा रहा हूँ। तुम लोगों ने ऐसा किया जो बहुत अच्छी बात है। सुन, थोड़ी ड्रिंक बचा के रखना, मैं आता हूँ। हे शरवन, कैसा है यार तू? मैं तो अच्छा हूँ। मैं भी अच्छा हूँ यार। कहाँ जॉब कर रहा है तू आजकल? अरे वहीं जहाँ बताया था। अच्छा, मैं तो अभी भी SIS कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माची से क्या? हाँ ये लेना। हाँ ये ले। ये ब्रांड क्यों? मुझे और कुछ नहीं चलता यार। मैं भी जब साइट इंजीनियर था तो यही फूकता रहता था। तू अभी वही नौकरी कर रहा है? हाँ यार।
SIS Constructions में OM Road पे TCS बिल्डिंग के सामने वाले कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या कर रहे हो? असिस्टेंट इंजीनियर का। वो पहले वाली? भाई मेरी बात का बुरा मत मानना, तू एक एवरेज स्टूडेंट था और मैं टॉपर, मुझे मेरे पसंद की नौकरी नहीं मिली तो मैं IT में शिफ्ट हो गया। तू भी अपनी फील्ड बदल ले, मैं भी बहुत खुश हूँ। आई एम टेकिंग 2 lakhs पर मंथ, यू नो आई एम CEO, अगले महीने स्विस जा रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं वहीं पे सेटल भी हो जाऊंगा। इतने टफ कॉम्पिटिशन में यहाँ फ्यूचर नहीं है यार। ए, तू ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि तुझे नौकरी नहीं मिली और तू पैसा नहीं कमा पाया। एक बात याद रख, जो फ्यूचर डिजाइन करने वाला होता है वही सिविल इंजीनियर है। सरवन ये सब कैसे? ठीक है, चेन्नई शहर से तुम्हें क्या याद आता है? LIC बिल्डिंग, अन्ना फ्लाईओवर, वल्लूवर कोट्टम, स्पेंसर प्लाजा। एक बात याद रखना, एक शहर की पहचान बनाने वाला ही सिविल इंजीनियर होता है। ठीक है चलो अब फोटो निकलवाते हैं। ए, क्या बात है भाई, आज काम नहीं है क्या? कॉलेज के रीयूनियन का फंक्शन था, मैं वहीं गया था। तू कलेक्शन के लिए गया नहीं? अरे इसने जिद की थी कि न्यू ईयर हमारे सोसाइटी में मनाने के लिए, इसलिए अपने साथ लेके जा रहा डोनेशन कलेक्ट करने जा रहा हूँ, तू आ रहा है? नहीं यार, मुझे कांचीपुरम जाना है, सुंदर से मिलना। ए, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे बहुत देर पहले वो ऊपर गया था, अभी भी उधर ही लटक रहा है। जिस तरह से वो खड़ा है कुछ तो अजीब बात है। ए, हाँ, क्या कर रहा है? अबे देख रहा हूँ। क्या कहा? अरे मुझे बांधने दे। बांधने में कितना टाइम जाता है? अरे मुझे ठीक से बांधने दे यार। ए, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चलो भाई चलो। मैं यहाँ बांधने के लिए आया, फिर मैंने जो देखा वो अच्छा लगा तो और देखने लग गया। तेरी तो। भाई वो आया है, रुकने को कहो। ठीक है भाई। पापा आपको पता है न्यू ईयर पे यहाँ पे मेला लगने वाला है, आप हमें लेके चलेंगे ना? लक्ष्मी पानी ला ना पापा। नहीं अंदर जाओ। ठीक है पापा, ये लीजिए। बच्ची को ऊपर ले जाओ। हाँ। नमस्ते भाई। आओ अंदर, लगता है तुम शहर छोड़ने वाले हो। नहीं भाई, करंट के बिना मैं मशीन नहीं चला पा रहा था, इसीलिए बहुत नुकसान हो गया भाई। तू तो मेरे पैसे वक्त पर नहीं लौटा रहा है, लेकिन 500 लोग यहाँ पर सिलाई की मशीन चलाते हैं, क्या उन्होंने तुम्हारे पैसे तुम्हें नहीं लौटाए? अब इतना नुकसान हो गया तो मैं क्या कहूँ भाई। रुक जाओ, लाओ मुझे तो लाओ, जाओ। उसे पसंद नहीं आता जब कोई बदतमीजी से मुझसे पेश आता है, बहुत गुस्से वाला है वो। भाई अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो आपका पैसा कभी नहीं चुका पाऊंगा, काम की तलाश के लिए मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। तेरे जितने दोस्त हैं और जो तेरे यहाँ काम करते हैं उन्हें पता है कि तू शहर छोड़कर जा रहा है? उन्हें पता है भाई। मेरे पैसे दिए बिना तू शहर छोड़कर भागेगा? वो पैसे वापस करने को बोल रहा है, या फिर हम उसकी मशीन को बेच सकते हैं, फिर इसकी क्या जरूरत? अगर हम उसे ऐसे ही जाने देंगे तो भाई की इज्जत का क्या होगा? जिन्होंने भी हमसे पैसे उधार लिए हैं उन्हें भी लगेगा कि वह माफी मांगकर बच सकते हैं, समझे? रवि, ये लोग भी अजीब हैं। आ रहा हूं भाई। ये सुंदर से पैसे लेके भागने की कोशिश कर रहा था, ये बात हर जगह फैला दो कि सुंदर ने अपने घर में उसकी जान ले ली। जाओ। ठीक है भाई। ए, इसे नदी में ले जाके फेंक दो। जाके उसे पूछते हैं। हाँ। ए, इस तरफ लगा, देना मुझे।
उसे लगा था। हां हां ये ले, अच्छा लग रहा है ना? हां बहुत अच्छा। उधर भी लगा ले। हां एकदम। हेलो भाई, कैसे भी करके पता लगाओ ना प्लीज। भाई तो चलो, आज मैंने पहली बार अपनी बंदी से बात की थी। मामा बॉडी कब आने वाली है? ए थोड़ी देर रुक नहीं सकता है क्या? अंकल एक जरूरी काम है। अंकल क्या काम है? जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ ना अंकल, उससे अपने लव का प्रपोज करने के लिए गिफ्ट और ग्रीटिंग कार्ड लेकर आया हूँ, पर उसका पता सिर्फ आप ही लगा सकते हो। पूछ रहा हूँ सर। जाओ मामा, हमने जो कुछ भी अरेंज किया है सब वेस्ट हो जाएगा। अंकल जाओ ना मामा, प्लीज अंकल प्लीज जाओ ना, जाओ ना प्लीज, जाके पता लगाओ ना, जाओ ना प्लीज मामा जाओ। हाँ हाँ यहाँ पर सारी तैयारी हो रही है। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ओके हाँ, मैंने उन्हें भी बता दिया है। हाँ 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 सबको बता दूंगा। ठीक है, विजय का नंबर दो मुझे। सबको खबर पहुँचा दी? पहुँचा दी। वो बॉडी कब ले जाने वाले हैं? तुम पागल हो गए हो क्या? सब यहाँ दुख मना रहे हैं और तुम बॉडी ले जाने की बात कर रहे हो? तुम्हारे पास दिल नाम की चीज नहीं है क्या? मजाक करते हो? चलो जाओ। भाई उसका पता आप कैसे लगाएंगे? ए देखते हैं और कोई रास्ता है क्या। अब समझ में नहीं आ रहा है कि नए साल का जश्न हम यहाँ पर कैसे मना पाएंगे। भाई इस बार कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। ओरे माजी, ओरे माजी, ओ मेरे माजी। क्या है? बहुत ही दुख की बात है। मौत सबके लिए दुखद ही होती है। बात वो नहीं है। तो फिर हम नया साल यहाँ कॉलोनी में मना नहीं पाएंगे। अच्छा हाँ, वही दुविधा है। अगर नया साल नहीं है तो फिर पोंगल या दिवाली है, इसमें फिक्र की क्या बात है? अपने लड़के बहुत ही उदास हैं, तो हमारे लिए गाना गाओ ना। ठीक है ठीक है। यहाँ क्या तमाशा कर रहे हो? जाओ। ओके ओके, कहीं और जाकर नाचो। मैं उसे और टाल नहीं सकती, आज बात करनी ही होगी। मत कर, तेरे भाई को पता चला ना तो मुसीबत हो जाएगी। मुझे उसकी परवाह नहीं। हमारी कॉलोनी में रूल्स होना चाहिए कि अगर कोई खास त्योहार पे मर जाए तो उसकी बॉडी को सबसे पहले ले जाना चाहिए। अभी तक वही सोच रहे क्या? चल पी। फ्रेंड्स, अगले साल हम क्वार्टर में ही मनाएंगे। अरे वाह, क्या बात है मामा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तुम लोगों को पता है मैंने एक अच्छी डील की है। अगर वो काम हो गया ना तो इस शहर का टॉपेस्ट हाउस मेरा होगा, फिर हम लोग वहाँ पे पार्टी करेंगे। सरवन, वो बिल्डिंग तुम बनाओगे? ओए, आप और आपकी डील्स। मेरे एम्बिशंस क्या है पता भी है आपको? शहर में मुझे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनानी है, करिकालन जैसा बड़ा ब्रिज बनाना है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई एम गोइंग टू पिस। अबे इसके लिए मैंने डिस्टर्ब किया क्या? चल जा यहाँ से। 100 साल से हमारे शहर में ढंग का कुछ बना ही नहीं है, लेकिन ये सरवना सब कुछ बदल देगा, देखना। अरे अपनी बात ही कुछ और है, बहुत बड़ी सोच रखता हूँ मैं अपने दिमाग में। मुझे लगता है तो जल्दबाजी कर रही है। नहीं, मुझे बात करनी होगी। और अगर उसने मना कर दिया तो क्या करेगी? तू रहने दे, मुझे पता है मैं उससे कहूंगी तो वो हाँ ही बोलेगा। ठीक है तो सुबह बात कर लेना। क्या, क्या प्लान करके रखा है? लेकिन वो है कि कुछ समझते ही नहीं है। वो लोग पी रहे हैं, तेरा भाई भी उनके साथ ही है। सब पता चल गया मुझे। अरे वो अपनी सहेली से बात कर रही थी, मैंने अपने कानों से सुना यार। तूने पक्का सुना ना? भाई अगर मेरी बंदी ने मना नहीं किया होता ना तो वो जरूर आकर तुझसे बात करती। कुछ भी बोल मत। देख भाई, तो ये मत सोच कि इस वक्त मैंने चढ़ा रखी है, मेरी बात मान। यार झांक कर वो देख रही है, पलटी मार पलटी मार। मैंने तेरे को कहा था ना, मौका चौका मत छक्का मार इस बार। ए तू जा यहां से, मैं बाद में मिलता हूं तुझसे। वहां भी अच्छी लग रही है यार। अबे जाना तू यहां से, तुझसे मैं बाद में नहीं पड़ता। ये क्या यार? ए जाना, खंबा देगा तभी जाऊंगा, बोल देगा ना। ठीक है जा। हाँ ठीक है, जाता हूँ। सरवन शांति। हाँ माँ। मेन रोड की तरफ जा रही हो ना, मुझे कुछ सामान मंगवाना है। यहाँ आ रही हूँ माँ। आंटी कैसी हैं आप? हाँ हाँ ठीक हूँ।
भाई। हाँ भाई, चाय पियोगे क्या? वो सब तो ठीक है, पहले काम शुरू करते हैं। भाई सुपरवाइजर आज नहीं आया है क्या? उनके कहने पर ही काम शुरू करोगे? अभी तो यहाँ सब लोग चाय पी रहे हैं, पीने के बाद शुरू करेंगे। 11:15 तक ही ब्रेक है और अब 12:15 बज रहे हैं, जल्दी शुरू करो काम। अच्छा भाई ठीक है। एमडी जब पूछेगा तो कौन जवाब देगा? अरे ये सब हमें क्यों बता रहे हो, सुपरवाइजर को हम जवाब दे देंगे ना। एक चाय और दो भाई। अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट बहुत हो गए, लाइफ टाइम के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए। कुछ 100 acres तक है SIS गेटेड कम्युनिटी। हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को आप ही लोगों ने ढूंढा है और आगे भी आप ही लोग ढूंढेंगे। सर OM रोड पे ऑन द मेन रोड 3000 फ्रंट एंड प्रॉपर्टी है, तो बात करें क्या? बात करो भाई। आप लोगों ने ही मेरा पहले का प्रोजेक्ट किया था, अच्छा होगा ये वाला भी आप लोग ही करें। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है। वो आदमी अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, एमडी से कंप्लेंट करनी चाहिए। ए, ऐसी कंप्लेंट करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये हमें खुद ही संभालना होगा। अरे उसको बोल तो दिया था मैंने, अब कितनी बार बोलना पड़ेगा? एक ही बार। नहीं नहीं सर, नमस्ते। अरे तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ और आप? मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है सर। सरवन सर। क्या हुआ सर? मजदूरों को क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है सर, उनका ब्रेक खत्म हो गया। तुम क्या कोई सुपरवाइजर हो? अपने काम पे ध्यान दो, तुम साइट इंजीनियर हो, तुम्हें इन सब के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, जाओ जाके अपना काम करो। ए चलो, कल स्कूल नहीं जाना है क्या? बैठकर पैसे गिन रही हो, चलो जाओ सो जाओ। पापा इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और आप हिसाब भी नहीं रखती हैं मम्मी। अगर मुझे हिसाब करना आता तो मैं तुम्हारे पापा से शादी करती क्या? पापा आप मम्मी को डिवोर्स दे दो और एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लो, ठीक है? एक नहीं 10 लड़कियों से शादी करने के लिए कहो, क्या फर्क पड़ेगा? ए प्रतिमा, उन सबको लेकर के अंदर जाओ। भाई प्लीज भाई, एक बार माफ कर दो। ठीक है, तू मुझे छोड़ने को कह रहा है तो मैं तुझे छोड़ तो दूंगा, लेकिन तू मुझे एक बात बता, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है अगर तू वो जाकर पुलिस को बताएगा तो क्या भरोसा? हो गई भाई, अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। पहले से इतने केस चल रहे, उन्हें संभालने में दिक्कत हो रही है, तुझे मार के एक और केस करूं? तुझ पे अपने पैसे और समय खर्च करूं? इसे पी और नदी के किनारे जाकर सो जा। भाई मुझे माफ कर दो, भाई मुझे माफ कर दो। तू खुद इसे पिएगा या मैं अपने आदमियों को बुलाऊं जो जबरदस्ती तुझे पिलाएंगे? नहीं भाई नहीं, मैं पीता हूँ, पीता हूँ भाई, पीता हूँ। ए प्रभु मैं चेन्नई जा रहा हूँ, चल। हाँ चलिए ना भाई। ए प्रभु भाई, एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की देख जरा, मुझे शादी करनी है। भाई पर भाभी। ए तुझे क्या लगता है, मेरी बीवी और मेरी बेटी दोनों मजाक कर रही थी क्या? सच कह रही थी दोनों? ठीक है भाई, हम ढूंढते हैं। भाई केमिकल बिजनेस के लिए एक आदमी 30 lakh rupees मांग रहा था, कल उसे लेके आऊं क्या? देख 60 या 70 या उससे ऊपर का हो तब मेरे पास लेकर आना, ये 25, 30, 40 lakh वाले ये सब तू खुद ही संभाल। ठीक है भाई। कोई बेल बजा रहा है, दरवाजा तो खोल सकते हो? मैं टीवी देख रहा हूँ। क्या है? प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। क्यों? मुझे नहीं पता। हे, प्रभु कहाँ पर है? नहीं दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? मैं नहीं जानती कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, भाई और बहन बस बात कर रहे हैं। अरे सरवन वो अच्छा अच्छा, चलो बच्चा चलो अंदर, कल सब्जेक्ट में से डाउट है वो क्लियर करने आया हूँ। चलो वहाँ चलो बाद में। बोलो तुमने कहा कि तुम्हें कुछ कहना है? वो बात ही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो माधुरी है ना। कौन माधुरी? सीनियर्स फ्रेंड्स सब ने ये काम किया है, पर मैंने आज तक नहीं किया था। समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोलूं। इतना हिचकिचा क्यों रही हो? हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, तो हिम्मत करके मुझे सब कुछ बता दो। क्या तुम एक बार, बस एक ही बार मेरे भाई बनने का नाटक कर सकते हो? क्या कहा? भाई बनना है? भाई? हाँ भाई। मैं चेन्नई फिल्म फेस्टिवल कमेटी में थी, मुझे उसकी अरेंजमेंट्स के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ती थी,
इसलिए लास्ट मंथ मैं कॉलेज नहीं जा पाई। लैक ऑफ अटेंडेंस है। प्रिंसिपल ने कहा है कि अपने पेरेंट्स को लेकर आओ। मेरे पापा को अगर इसका पता भी चला तो मुझे बहुत डांटेंगे। भाई, तेरे को बताया था ना? क्या बताया था? अरे मैंने पूछा कि माचिस है क्या तेरे पास? तुझे मार डालूंगा मैं अभी। ठीक है टेंशन नॉट, लगे रहे। भाई को पता चला तो वो भी बहुत चिल्लाएगा। पापा तो पक्का मुझे मार ही डालेंगे। तुम्हारे अलावा और किससे हेल्प मांगू? मे आई कम इन सर? कम इन। तुम्हारा भाई है क्या? यस सर। हेलो सर। प्रभु सरवन प्रभु सर। ओ हाँ प्रभु श्रवण आओ। नहीं सर, सरवन प्रभु। हाँ सर। अरे फर्क क्या पड़ता है? हाँ अरे आओ भाई आओ बैठो। थैंक्स सर। पिछले एक महीने से ये क्लास में नहीं आ रही है, अब उसे घूरने से क्या फायदा? एक भाई होने के नाते तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये कॉलेज जाती है या कहीं घूमने जाती है। एनीवेज आई हैव डिसाइडेड टू डीबार हर फ्रॉम राइटिंग एग्जामिनेशन दिस ईयर। चेन्नई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के काम में बिजी। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने अपने सारे वॉलंटियर्स को 15 दिन का परमिशन दिया था, लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। बैड कंपनी। नहीं नहीं भैया सच में। hey! No, प्रभु श्रवण। सरवन प्रभु सर। अरे रहने दो ना, जो भी हो है तो तुम्हारा भाई ही ना। ठीक है श्रवण प्रभु बैठ जाओ। नहीं सर ये। अरे पहले बैठो। क्या क्या करती रहती है? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रॉन्ग थिंग, वेरी बैड। भले ही तुम्हारी बहन हो लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें प्यार से बात करनी चाहिए। ओके सर। वैसे भी जब ये कॉलेज नहीं आती थी तो मैंने इससे एक दिन पूछा कि ये किसके साथ थी, तो इसने कहा माँ और पिताजी के साथ। फिर मुझे डाउट हुआ, मैंने इससे उन्हें बुलाने के लिए कहा और इसने तुरंत हाँ कह दिया। अब मेरी समझ में आ रहा है कि इसने तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि तुम बहुत गुस्से वाले हो ना। ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल है सर। बट यू आर वेरी रेस्पॉन्सिबल। भाई हो भाई की तरह रहो। एनीवे शांति, तुम इस साल का परीक्षा नहीं दे सकती, अब तुम रोज कॉलेज आओ और अगले साल परीक्षा दो। नहीं सर, मैं इसी साल एग्जाम दूंगी सर। नो, अगले साल। इस बार में उससे क्यों बात कर रहे हो सर? इसे डी बार मत करना। और इसकी पढ़ाई? इसे डिसमिस कर दीजिए सर। हाँ? वाई? हम मेहनत करके इसे पढ़ा रहे हैं और इसे जरा सी भी परवाह नहीं है। इसे आप टीसी दे दो सर। नहीं, पहले अपने माँ पिताजी से बात करो। हाँ, मैं उनसे बात कर लूंगा। इसे टीसी दे दो पहले। देखो तुम जल्दबाजी कर रहे हो। श्रवण प्रभु नाम करेक्ट है सर। थैंक यू। लेकिन मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। सिर्फ नाम का ना? हाँ, पर अब बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है इसकी कोई गलती नहीं है, इसका जो फ्रेंड सर्कल है वही गलत है। अरे तुम इसके भाई हो, तुम्हें इसे संभालना चाहिए। नहीं, इसे टीसी दे दीजिए सर। देखो मेरी बात मानो, आज के जमाने में सोसाइटी के लिए लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। इसकी पढ़ाई से सोसाइटी को कोई मदद नहीं होगी सर। गो आउट। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जाओ। मैं उसे डीबार नहीं करूंगा, उसे कॉलेज आने दो। ये बस एक वार्निंग है, समझ रहे हो ना? बस उसे अच्छी तरह पढ़ने दो, सब ठीक हो जाएगा। एक भाई के तौर पर तुम्हें बस एक सर, काम। बहुत हो गया सर, उसका भाई बनने के लिए कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है आपको तो मुझे पता है सर। मेरी भी एक छोटी बहन है, वो मेरी कोई बात नहीं सुनती, लेकिन हम उसे छूट नहीं दे सकते ना। आई विल डू माय ड्यूटी सर। तो कल से वो कॉलेज आ सकती है? अरे कल का इंतजार क्यों करें, उसे अभी से क्लास अटेंड करने दो, देखना वो पास हो जाएगी। हाँ तो प्रभु श्रवण। सर कोई बात नहीं, थैंक यू। हे, क्या कहा उन्होंने? तुम क्लास जा सकती हो। सुपर्ब, तुम अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तुम्हें ये करने के लिए कोई और नहीं मिला? नहीं नहीं, और कोई फ्रेंड नहीं है जो तुम्हारी तरह डिसेंट लगे और इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता हो। और फिर मुझे पता था कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। अच्छा ये सब सीरियसली मत लेना, अब मैं क्लास में जाती हूँ। थैंक्स। बस इतना ही बोला क्या? हाँ यार। मतलब खाली थैंक्स बोला बस? अरे हाँ बाबा। कहीं गूगली ना हो जाए, वो तेरे को भाई तो नहीं मानती ना? ए, मुंह बंद कर। हे ब्रो, जस्ट प्रैक्टिकल ब्रो, इट्स अ लाइफ मैन। तो चाय के पैसे भर दे। पक्का तेरे से वो प्यार करती है? ए, वो देख सरवन आ रहा है। बैटिंग नहीं की इस बार, ढंग से करना ठीक है सरवन। ऑल द बेस्ट भाई। मैं जब भी पास से गुजरती हूँ तो तुम्हारे फ्रेंड सरवन भैया कह के चिढ़ाते हैं। अरे तो वो उनकी आदत है। हाँ वो कल ही, वो हमेशा मजाक उड़ाता है मेरा। तो उड़ाता है तो उड़ाने दो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मुझे तो शर्म आती है। मैंने तुम्हें उसे नाटक करने के लिए कहा था और मैं मुसीबत में ही फंस गई। अब सबको बोल दो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड हूँ ऐसा कह दो। Thank you.
ये तुम्हारी जगह है? नहीं सर, मेरे पति की है, लेकिन यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। पहले तो बस एक दो घंटे ही लाइट जाती थी, पर अब 12-13 घंटे चली जाती है। कैसे काम होगा सर? इसलिए वो शहर गए हैं पैसे कमाने। आपसे लिया हुआ उधार हम ब्याज के साथ लौटा देंगे सर। मुझे मेरे पैसे कल सुबह 10 बजे तक चाहिए। चलो सुनो, अब से ऐसे लोगों को पैसे मत देना। ठीक है भाई। कुछ गलत हो गया तो पूरा परिवार अपने आप को मार डालेगा, समझा ना? या पैसे हो या जायदाद हो या फिर अच्छी बीवी या बेटी होनी चाहिए। अब ऐसों को क्यों पैसे देते हो जिनके पास कुछ भी नहीं है? ये ठीक नहीं है, फिर से करते हैं। अरे नहीं भाई, ये करेक्ट है। तुमने देखा नहीं क्या? करेक्ट नहीं है भाई, मुझे तुम्हारी उम्र से ज्यादा अनुभव है। अरे गलत है, फिर से करो ना। और फिर से करने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या सही है और क्या सही नहीं है मुझे पता है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, करो तो बस करो। प्रोजेक्ट इंजीनियर को कहने दो, तुम जाकर मुझे वो ईंट ला कर दो, समझ गए? जाओ लेकर आओ। देखो ए ब्लॉक में सिंगल बेडरूम होगा और बी ब्लॉक में डबल बेडरूम, ठीक है ना सर? हाँ बोलो सर। सारे ब्लॉक्स गलत है, आप आके देखिए। मैं आता हूँ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के बाद में जो उस तरफ का सर, उस मजदूर से बात तो कर लीजिए। डी ब्लॉक भी प्लान कर सकते। सरवन क्या बात है, जाकर सर से बात करो ना। ओह आई एम सॉरी, तो मैं ये बोल रहा था कि सर ये जो ए बी, क्या बात है सर? नीचे सारे ब्लॉक्स गलत हैं। ये तुम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हो? वो आदमी मेरे मना करने के बाद भी बांधना बंद नहीं कर रहा है। तो तुम क्लाइंट के सामने बोलोगे क्या? पता है उस मजदूर का कितना एक्सपीरियंस है? तुम्हारी उम्र का था तब से देख रहा हूँ, अपना काम परफेक्ट करता है वो। नहीं सर, वो पूरा गलत कर रहा है। फिर वही, उसे बाद में फिर से बनवाओ। तुम तो वैसे भी तोड़ के बनवाते ही रहते हो। पर सर अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी तो इंचार्ज की होती है ना। मैंने तुम्हारी तरह बहुत लोगों को देखा है, जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या है। तुम अगर अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू करना चाहते हो तो शौक से करो, लेकिन यहाँ का एमडी मैं हूँ और मेरी मनमानी ही चलेगी, समझ गए? तुम अगर जाना चाहते हो तो शौक से जा सकते हो। वो ऐसे बात करते हैं जैसे हम लोग काम बिगाड़ रहे हैं। ए, हर नए आदमी को अपने काम पे ये सब झेलना ही पड़ता है, कोई नई बात नहीं है यार, तू परेशान क्यों हो रहा है? दूसरे जगहों पे तुम्हें ये सब अगर झेलना पड़ता है तो वो इसलिए क्योंकि तुम लोग काम ठीक से नहीं करते हो ना। छोड़ना यार, चल पीते हैं। अच्छा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मूड नहीं है। ए, उसने जो कुछ भी बोला वो कब का भूल गया होगा। ए, डांट मुझे पड़ी है ना तो उसे क्यों याद रहेगा? मुझे वहाँ काम करने में शर्म आने लग गई है। तो फिर मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। समझ सकता हूँ, बोलो क्या? छोटे इन्वेस्टमेंट में मैं अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हें लगता है तुम ये कर सकते हो? हाँ पापा, शहर के कोने में मुझे एक जमीन खरीदने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। शादी के बाद मैंने तुम्हारी माँ के लिए कुछ भी नहीं किया और मैंने अपनी सारी कमाई अपनी बहन की शादी, तुम्हारे और तुम्हारी बहन की पढ़ाई पे लगा दी। मैंने सोचा था कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो तुम्हारी माँ को कुछ पैसे दे दूंगा, लेकिन अब वो पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, तो ध्यान रहे इस बात का। तुम क्या करने की सोच रहे हो? कुंद्रातुर में एक बहुत ही अच्छी जगह है। ये प्रॉपर्टी तो बहुत छोटी है ना? मुझे पता है कि आप सिर्फ बड़े प्रॉपर्टीज में सौदा करते हैं, पर आपने तो बहुत सारे नए लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टी खरीदवाई है ना, जैसे मेरे एमडी, तो जरा मुझे भी हेल्प कर दीजिए। ठीक है बेटा, हम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई। वो बता रहा था कि कोवूर में एक प्रॉपर्टी है। हाँ भाई। हाँ राजेश, वो कोवूर वाली प्रॉपर्टी अभी अवेलेबल है क्या? हाँ है ना भाई, सुबह उसे देखने के लिए एक पार्टी आ रही है भाई। ठीक है, लेकिन उस पार्टी को दिखाने से पहले मुझे किसी और पार्टी को दिखानी है। ये अच्छा है यार, जगह अच्छी है और वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम भी नहीं। ठीक है ना ये? हाँ जगह तो अच्छी है। ठीक है तो हम लोग इस पर बात करते हैं। तुम्हें थोड़ा होशियारी से काम लेना, कहीं तुम्हारे साथ कोई धोखा ना हो जाए। नहीं वो वैसा आदमी नहीं है पापा। इस फील्ड में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा पापा। बहुत मौकों पे चीज गलत हो सकती है। देखो तुम्हें इतने पैसे कमाने की जरूरत नहीं है कि आने वाली पीढ़ी तक चले, इतना कमा के सब सही रहे। ठीक है पापा। कैसा है ये? बहुत अच्छा है। हमारी ओनर के साथ आज मीटिंग है, हम सौदा बाद में पक्का करेंगे। तुम कितने फ्लैट्स बना रहे हो? 20। स्विमिंग पूल भी होगा क्या? मैं अब तक इतना बड़ा बिल्डर नहीं बना हूँ। देखो ये कैसा लग रहा है? हे हाय। हेलो। हाय। ए भाई को मैंने सुबह से कई बार फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहा यार। मैंने भी उसको ट्राई किया था लेकिन वो उठा नहीं रहा है। अच्छा मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है, वरना प्रिंसिपल प्रभु सरवन को बुलाने के लिए कहेंगे। एक मिनट सुनो, मुझे एक फोन करना है प्लीज। हेलो कौन बोल रहे हैं? जी मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। बेटा मैं तुम दोनों का फोन नहीं उठा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें टाल रहा हूँ, लेकिन दूसरे के नंबर से फोन करना अच्छी बात नहीं है। अगर श्रवण पास में है तो फोन उसे दो। जी अच्छा एक मिनट, वो तेरे से बात करना चाहते हैं, बात कर।
नौकरी तुमने बिना इन्फॉर्मेशन दिए छोड़ दी थी क्या? नहीं भाई, किसने कहा आपको? मैंने कल तुम्हारे एमडी से बात की थी, उन्होंने कहा। मुझे तो खुद का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना था, तो छोड़ने में गलत क्या है? इसमें तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन आज मैं जो इतने अच्छे से सेटल हूँ वो उस एमडी की वजह से ही। अब मैं उसके खिलाफ तो नहीं जा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती लड़के हो, लेकिन बेटा अच्छा होगा कि तुम इस काम के लिए किसी और को ढूंढ लो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। एमडी ने ही कुछ कहा होगा इसे। अब तुम क्या करोगे? क्या ये अकेला मीडिएटर है? शहर में और भी तो होंगे ना। मैं जा रहा हूँ, खर्चे के लिए 20 रुपए देना। चुप रहो, सुबह सुबह परेशान मत करो, जाओ। रमेश ने आपके बारे में बताया। किसके लिए चाहिए? इसके लिए। अच्छा, इसके लिए क्या? हेलो, मैंने तुम्हें जिसके बारे में कहा था ना, वो यही। अच्छा, है। अच्छा। पेरुंगलुतुर में कहाँ? अरे पास में ही है। यहाँ से कितना दूर है? अरे कहा ना भाई, बहुत नजदीक है। देखिए, हम फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ओनर को तो आने दो। अरे कितना वेट करें और? लो आ गए। ए, तुम गाड़ी में जाओ। सुनो, तुम लोग की बाइक छोड़ के चलो गाड़ी में। नहीं, कोई बात नहीं, हम हमारी गाड़ी से फॉलो करेंगे। ठीक है ठीक है, फॉलो करना। भाई सिग्नल के बाद गाड़ी रोकना, ठीक है? हाँ भाई, सुन लिया ना भाई। वहाँ रुकना, नाश्ता करके चलेंगे। भाई वहाँ गाड़ी लगा दो, यहाँ बहुत अच्छी अदरक वाली चाय बनती है। ए, अदरक वाली चाय बनाओ, और अगर गर्म है तो समोसा भी देना। आ भाई, अरे आ जाओ भाई, शर्माओ मत। अंदर वो ओनर बैठा है क्या? अरे भाई, वो ओनर का खास आदमी है। भाई अच्छा है ओनर नहीं आया है, हम लोग इससे थोड़ी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। उसकी मनहूस शक्ल देखने से कोई भी काम ढंग से नहीं होता है, समझे? तुम खुश नसीब हो जो आज नहीं आया। आप कितने सारे ग्राउंड देख रहे हैं? 5 ग्राउंड तो देख रहे हैं। तो ये देख लीजिए ना, अगर पसंद नहीं आया तो मैं दूसरा दिखा दूंगा। पहले हम ये तो देख लेते हैं, उसके बाद बाकी के देख लेंगे। नजर रखो। आप ये वाला ग्राउंड जरूर देखो, मेरा मानना है कि ये आपको जरूर पसंद आ जाएगा। वो तो ग्राउंड देखने के बाद ही पता चलेगा ना। और कितना दूर है? अभी तो काफी आगे जाना होगा। इतना काफी है कि और चाहिए आपको? ये काफी है। ओके, चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। चलो भैया। अरे भाई, वो वाला ठीक है क्या? ये एरिया डेवलप होने में बहुत समय लगेगा, हम जमीन खरीदना नहीं चाहते हैं। देखिए, हमें कोई फ्लैट व्लैट नहीं खरीदना है, अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करना है। भाई तुम्हारे बजट के हिसाब से ये करेक्ट है, उधर देखो कितनी सारी हरी भरी जमीनें हैं। भाई कुछ सालों में ये जमीन बहुत अच्छे दामों में बिकेगी, शहर के बिल्कुल करीब है, इतने कम दाम में ऐसी जगह नहीं मिलेगी। ये जगह शहर से पास में है क्या? देखिए, ये तो हमारे लिए सेट नहीं होने वाला। शहर के आसपास कोई जगह हो तो बताइए। शहर के बगल में चौक के पास चाहते हो क्या? ये भी तो शहर ही है, दो चार बार आ जाओगे तो दूर नहीं लगेगा। वैसे पुना मल्ला के पास भी एक जगह है, तुम अगर चाहो तो उसे दिखा सकता हूँ, लेकिन कल आना पड़ेगा। ठीक है। भाई कार का अगर भाड़ा आप दे दोगे तो हम उसे भेज सकते हैं। ये क्या, जगह दिखाने के लिए तो वो हमें लाया है ना, तो भाड़ा हम क्यों भरेंगे? ये उनकी गाड़ी नहीं है भाई, भाड़े की है, भाड़ा तो देना पड़ेगा ना। कार का भाड़ा, खाने का पैसा, इंस्पेक्शन फीस 500 रुपया, सब तुमको भरना पड़ेगा भाई। कितना हुआ? 3,500 हुए। करेक्ट है, करेक्ट है। एक स्क्वायर फीट जमीन की कीमत है 125 रुपया, तुम मुझसे 25 स्क्वायर फीट जितना पैसा ले रहे हो। ए प्रभु। हाँ भाई। मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ, जरा रुको। मैंने आपकी गाड़ी देख ली, मैं रुका हूँ भाई। बोलिए भाई। वो लड़की कौन है? मेरी बहन, मामा की लड़की। हाँ, ये लो, इसमें 25,000 रुपए हैं, कमिश्नर राजेंद्रन को दे देना। ठीक है भाई। वो और 10 मांगेगा, बोलना इस महीने कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठंडा चल रहा है। ठीक है भाई, गाड़ी आगे बढ़ाओ। ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ना भाई, बहुत जबरदस्त है। ओके। ओनर मलेशिया में है। ओ। उसने पूरा राइट मुझे दे दिया है। अच्छा, अगर आपको ओके लगेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। एकदम साफ सुथरा सौदा है ये, किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है। एक मिनट भाई। हेलो यार, तुम आ गए क्या? बात बन जानी चाहिए तो। एयरपोर्ट पे हो? अरे मैं आता हूँ ना, वहाँ आकर तुम्हें पिकअप करता हूँ। ओके सर,
कीमत पे क्या भाई, आज तुम्हारी किस्मत बल्ले बल्ले है। होना मलेशिया से सीधे यहाँ आ गया है। अभी वो एयरपोर्ट पे रुका हुआ है। और एक जरूरी बात है। हाँ बोलिए ना। तुम्हारे पास 3,000 रुपए हैं? किस लिए? एयरपोर्ट से आते वक्त ओनर तो टैक्सी के पैसे खुद दे सकता है, लेकिन मेरे पास होंगे तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा ना। मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे देखो कहीं इधर उधर होंगे ना। अरे बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा सौदा करा रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, ये कैसा आदमी है यार। मेरी बात मान, उसे पैसे दे दे, इसमें हमारा ही फायदा है यार। अबे तू शांति से ले, जल्दबाजी मत कर यार। समझा कर तू, मलेशिया से ओनर आने वाला है, पैसे दे दे यार। वैसे भी मोटे लोग झूठ नहीं बोलते। देख मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तू कह रहा है इसलिए। ज्यादा मत सोच, कर दे। तू बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा है, तो ये ले ले। पैसे दिला दो मुझे, पैसे दिला दो मुझे भाई। एक्चुअली अभी पैसे नहीं है, लेकिन ये अंगूठी सोने की है, इसको गिरवी रखकर आप पैसे ले सकते हैं। मुझे कितने हजार मिलेंगे इसके? उससे भी ज्यादा मिलेगा। हाँ सच में। भाई मैं अभी के अभी जाता हूँ, अंगूठी गिरवी रखता हूँ और पैसे लेकर वापस आता हूँ। मैं आपका वेट करता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ मत करो। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, हूँ ना। ठीक है ना, तुम लोग वापस चले जाओ, मैं ओनर को लेकर यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, ऑटो चलो चलो। बाय 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 सर, बाय। अरे तू भी ना यार, किसी भी आदमी पे भरोसा कर लेगा। परेशान मत हो, वो अच्छा आदमी है यार। अरे ऐसे कैसे कह सकता है अच्छा आदमी है? जब ओनर आएगा ना, तेरे को खुद पता चल जाएगा कि वो अच्छा है कि नहीं है। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम ये जमीन देखने आए। ऐसा ब्रोकर ने कहा है क्या? हाँ। और ये भी कहा हुआ कि ओनर मलेशिया में है। हाँ यही बोला। और तुमसे 3,000 रुपए लिए होंगे ओनर को पिक करने के नाम पे। बोलो सही कह रहा हूँ कि नहीं? हा? आप ये क्या बोल रहे हैं आप? भाई तुम 12वें आदमी हो जिससे उसने 3,000 लूटे हैं। ओनर तो अगली गली में ही रहता है, वो तुम्हें लूट के भाग गया, समझे? अबे तूने अपने सोने की अंगूठी उस आदमी को ऐसे ही दे दी? तूने तो बोला था कि अच्छा सौदा है, इसलिए मुझे उसे देनी पड़ी। ये ले, ये पकड़। अरे तूने उसे ये रिंग क्यों नहीं दी? मैंने उसे अपनी सस्ती वाली अंगूठी दे दी, ज्यादा लॉस खाने से बच गए हम लोग। क्या बात है, ब्रिलियंट है तू। चल चलते हैं। शास्त्री सर है क्या? हाँ बोल रहा हूँ। सर मुझे वो लैंड के बारे में बात करनी थी, अगर आप फ्री हैं तो क्या मैं आपसे इवनिंग में मिल सकते हैं? मेरे घर पे ही आ जाओ, तुम्हें एड्रेस तो पता है ना? हाँ मेरे पास आपका कार्ड है सर। लगता यही है उसका फ्लैट। ओल्ड नंबर, न्यू नंबर, ये है 64A, वो है 64B। कितना कंफ्यूजन है यार। उसे फोन कर यार। हाँ एक मिनट करता हूँ। हेलो सर। हेलो। मैं आपके फ्लैट के सामने खड़ा हूँ, लेकिन वो फ्लैट नंबर पे कंफ्यूजन हो रहा है सर। दरअसल मैं आरंभकम ऑफिस में जरूरी काम से आया हूँ। कार्ड पे एड्रेस है, तुम यहाँ आ सकते हो क्या? ठीक है सर। योर आइडिया इज गुड। तुम कह रहे हो कि तुम्हें अभी सिर्फ जमीन खरीदनी है, वो भी सिटी के बाहर? हाँ सर, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, तो मेरा MD थोड़ा सा मुझसे नाराज है। उनकी पहचान के मेडिएटर भी मेरे साथ काम करने के लिए हिचकिचा रहे हैं सर। नो, यू आर टोटली मिस्टेकन। मैं तुम्हारे MD को 15 साल से जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं बोल सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी, शायद वो तुम्हें एनकरेज करना चाहता हूँ, इसलिए हम आपको बताना चाहते थे सर। नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। सिटी के बाहर तुम्हें जमीन खरीदनी है ना? जी हाँ सर। मुझे गलत मत समझना, पर कौन सिटी के बाहर जाके फ्लैट खरीदना चाहेगा? मेरे पहचान वाले ने भी 80 फ्लैट्स बनाए और अब तक वो खाली के खाली हैं। कौन जाएगा इतनी दूर खरीदने? सोचो सर, आप ही हम लोगों को कोई अच्छा आइडिया दीजिए ना। इन माय पर्सनल ओपिनियन, सिटी के अंदर बनाना ही अच्छा होगा। उसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे सर। पर रिस्क तो कम है, जैसे ही काम शुरू होगा सारे फ्लैट्स अपने आप बुक हो जाएंगे, तुम सेफ रहोगे। देखो साला यार, में मेरी एक जमीन है, तुम चाहो तो उसे देख सकते हो, शायद पसंद आ जाए। ये तुम्हारे बजट में है क्या? नहीं यार, मेरा बजट तो 40 से 50 लाख का है, उससे ज्यादा दूर की तो मैं सोच भी नहीं सकता। पर मीडिएटर ने मुझे उसकी खुद की जमीन देखने के लिए एक बार बोल दिया, अगर यहाँ पर हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। काश मेरे पास थोड़े ज्यादा पैसे होते। मैं एक काम तो कर सकता हूँ, पहचान वालों से सीमेंट और दूसरे नेसेसरी मटेरियल्स क्रेडिट पर तो आराम से ला सकता हूँ। क्या बोल रहे हो, ये इतना आसान है क्या? फिर तो सुंदर भाई का गुंडा बनने से अच्छा तो ये है कि मैं यही सब काम कर लूं, ये इजी रहेगा ना? अरे हाँ भाई बिल्कुल, और क्या, दुनिया का सबसे इजियर इनकम सोर्स तो रियल एस्टेट का धंधा ही होता है। शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेरे MD को ही देख ले, उसने शुरुआत ही ऐसे छोटे प्रोजेक्ट से की थी, और अब देख मीडिएटर से उसने 100 एकड़ जमीन मांगी है। अब बड़ा टाउनशिप प्लान कर रहा है, कितने साल में? सिर्फ 12 साल में। थोड़ा सा फोकस करेंगे ना तो हम भी वहां पहुंच जाएंगे। वैसे तो वो कुछ भी नहीं है, पर उसने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इससे अच्छा होता कि आप उसे जान से ही मार देते, लेकिन आपके लड़के सबसे कहते फिर रहे हैं कि पहले आपने उसे मारा था। हाँ मैंने कहा था कहने को, मुझे अपना धंधा नहीं चलाना है क्या? हमारे पास पहले से ही बहुत केस है, फिर ये मुसीबत लेने की क्या जरूरत है?
अगर हमने सरेंडर किया तो 3 महीने में बेल मिल जाएगी। देखिए नया एसपी एनकाउंटर करवाने के बारे में बात भी कर रहा था, मैंने सुना है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर अगर पुलिस ने केस बना दिया तो लंबी सजा होगी, इससे अच्छा कि हम खुद ही सरेंडर कर दें। इस तरीके से हमारा केस थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कुछ महीने की सजा होगी और हम बच जाएंगे और बेल भी आसानी से मिल जाएगी। भाई सरेंडर करने के लिए सोच रहा है लक्ष्मी, जिन्होंने भी हमसे उधार लिए हैं जल्द से जल्द उनका लिस्ट बना। ठीक है भाई, हरी आप लोग अगर कुछ पैसे मांगे तो उन्हें दे देना। ठीक है ठीक है। मेरी बेटी कहाँ है? ट्यूशन गई है वो। ठीक है फिर देखते हैं। ठीक है भाई, तूने मुझे कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था ना। हाँ हाँ। पैसा वापस कमाने में कितना टाइम जाएगा? क्यों? अरे बता ना, पैसा वापस आने में कितना टाइम जाएगा? अगर हम जमीन खरीदेंगे तो वहाँ फॉर सेल नाम का बोर्ड लगा देंगे तो जल्दी से बिक जाएगा। हम उन्हें एडवांस देके वहाँ कंस्ट्रक्शन आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, बैंक लोन भी ले सकते हैं। जो जगह देखी थी उसके लिए कितना पैसा लगेगा? वो कह रहा था कि जमीन का 2 करोड़ और रजिस्ट्रेशन का 2 लाख रुपया। पापा ने मुझे कुछ उनके बचाए हुए पैसे दिए हैं और अब तो मुझे बस 2 या 2.5 लाख रुपए चाहिए। पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा। वो कैसे? सुंदर अपने आप को गिरफ्तार करवाने वाला है, उसने अपनी बीवी से कहा है मुझे पैसे देने के लिए। मैं 4 अलग अलग नामों से 50 लाख ले लूंगा। वो उन्हीं पैसों में से पहले महीने का ब्याज काट लेंगे, पर तुम्हें पहले महीने का ब्याज नहीं देना होगा। अच्छा दूसरे महीने में पैसे आ जाएंगे ना? सब कुछ सोच के बताओ। हमें 30 दिन में मिल जाएंगे। आखिर मैं भी कितने दिनों तक सुंदर का काम करके रिस्क लेता रहूंगा। ठीक है हम ये करते हैं। भाई जब तक मैं पैसे नहीं लाया था तब तक डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब बहुत लग रहा है। क्यों यार? मैंने इससे ज्यादा पैसों का भी सौदा किया है पर कभी इतनी घबराहट नहीं हुई, लेकिन इस बार मैंने अपने लिए पैसे लिए ना तो थोड़ा डर लग रहा है। वो क्या है ना, अगर पैसे वापस नहीं कर पाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहा है ना? कुछ गलत तो नहीं होगा ना? अरे क्यों डर रहा है यार, हम इस हफ्ते जमीन रजिस्टर कर लेंगे और सब तो सही हो जाएगा। लेकिन भाई अगर समय पे पैसे वापस नहीं किए तो हम सब मरेंगे, सुंदर बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ तो क्या हुआ, उससे बात तो कर ली? हाँ देखते हैं। हाँ हाँ आओ आओ। नमस्ते सर। नमस्ते। तो क्या सोचा? वो जमीन हम खरीदना चाहते हैं सर। तुमने तो कहा था कि अमाउंट बहुत बड़ा है, तो तुम कहाँ से लाए? हमने रेडी कर लिया सर। वाह वेरी गुड, तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट मेरी जमीन पे है ये सुनके मुझे खुशी हुई। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों बहुत आगे जाओ, तुम्हारे MD से भी आगे, तो हम सौदा पूरा कर लें। आइए इनके माता पिता से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सर ये मेरे पापा हैं। नमस्ते। ये शास्त्री जी। नमस्ते। मेरी माँ। नमस्ते। वो प्रभु की माँ है। मिलकर खुशी हुई, आपने अपने बेटों को अच्छी तरह से जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखना कुछ ही समय में ये इस शहर के बड़े रियल एस्टेट बनाने वाले बन जाएंगे। सुनकर खुशी हुई। श्रवण अब मुहूर्त का समय है रजिस्टर करने के लिए, मैंने अंदर स्टैंप पेपर दिया है, जाके ले आओ। डर था कि वो उन गुंडों के साथ रहकर अपना भविष्य खराब कर रहा है, पर तुमने उसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनर बना लिया। अब मुझे भरोसा है कि वो सब ठीक ही करेगा। हे, तुम मंदिर नहीं गई? बाकी सारी लेडीज मंदिर गई हैं। हाँ। मैंने देखा कि तुम घर पर हो तो मैं बहाना बनाकर किसी तरह यहाँ आ गई। बहुत ब्रिलियंट हो तुम। बिल्डिंग बना रहे हो उसमें 3-bedroom flat रखना, वो हमारे लिए होगा। हमारी शादी हो जाएगी तो 3 BHK तो होना चाहिए। इस घर में क्या बुराई है? यहाँ 1 room में तुम्हारी बहन सोती है, दूसरे में तुम्हारे मम्मी पापा, तो मैं हॉल में अपनी फर्स्ट नाइट नहीं बिताऊंगी। लगता है तुमने सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है। जब मैं स्कूल में थी तो मेरी क्लास में मोस्टली सबके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते थे, वो प्यार करते थे, घूमने जाते थे और सब कुछ करते थे, पर मैंने ये सब कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे तो बस एक ही लड़का पसंद था। तब तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे और मैं तुमसे बात करने के लिए बहुत तड़पती थी। ए, तभी मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता था।
तो मेरे भाई की वजह से तुम मुझे अवॉइड करते थे? मेरे भाई को पता था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, वो हमें गलत नहीं समझेगा। इस साल मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो पापा से बात करूंगी, वो जरूर मान जाएंगे। दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं किया। दोस्त बुरा मत मान, प्यार में ये सब होता है यार। प्रभु को तेरे बारे में पहले से ही पता था, टेंशन मत ले, वो कुछ नहीं करने वाला। एकलाई। हाँ बोलो भाई। रमेश को ऑटो लाने को बोल, माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है। ठीक है भाई। ए, उस बारे में कुछ बात मत करना। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दबाजी थी? नहीं यार मैं। ए, तुझे पता नहीं है क्या तेरी लिमिट क्या है? कॉलेज में उसका एग्जाम आने वाला है और मेरा मामा गुस्सा होकर उसका नाम कॉलेज से कटवाने वाला है। उसकी पढ़ाई पूरी होने तक इंतजार नहीं कर सकता था क्या? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? नहीं पापा। ये सब तो हर एक की जिंदगी में होता ही है, कुछ बुरा मत मानो तुम। तुमने उस लड़की से बात की क्या? नहीं पापा, मैं प्रभु को फेस नहीं कर पा रहा हूँ। उसने मुझसे सवाल पूछा और मेरे पास जवाब ही नहीं था। मैं बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें पता था वो उसके मामा की बेटी है? और उसे पता था कि तुम उसके दोस्त हो? पता था। फिर तुमने किया ना। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। हाँ, उस लड़की से जाके कह दो कि तुम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हो। भाई जब वो कॉलेज आएगी तब उससे बात कर लेंगे, घर जाके बात करने की क्या जरूरत है यार। वो उसे कॉलेज नहीं भेजने वाले यार। प्रभु पहले से ही बहुत गुस्से में है, सोच ले एक बार। देख इस मैटर को ज्यादा ना बढ़ाएगा तो ही बेटर होगा यार। क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ वो आंटी, मुझे आपसे और अंकल से कुछ बात करनी थी। क्यों, तुमने हमें जितना शर्मिंदा किया है उतना काफी नहीं है क्या? हाँ ए, चिल्ला क्यों रही हो? पूरी दुनिया को बताना चाहती हो क्या? मैंने फोर्स इसलिए किया था ताकि शांति को घर पे रुका सकूं। मैं खुद ही उसके पीछे पड़ा था जबकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर मैं उससे कॉन्टेक्ट करना बंद करूँ तो वो मेरे पीछे नहीं आएगी। यह सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? उसे कॉलेज से मत निकलवाइए। उसे कॉलेज से निकलवाने की वजह तुम हो। शांति अपने कमरे में जाओ। ए, जाओ कहा ना, जाओ यहाँ से। अंकल मैंने गलती की है, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ और मैं प्रभु का चेहरा भी फेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। शांति। अरे क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। आपको लग रहा होगा कि मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मिलूंगा भी नहीं और ना ही उसे फोन करूंगा और ना ही बात करूंगा। आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं अंकल, प्लीज आप उसे कॉलेज से मत निकलवाइए। मैं SIS कंस्ट्रक्शंस में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा था। अभी प्रभु और मैंने एक जमीन खरीदी है कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए। मेरे पास दिमाग और काबिलियत है कि एक लड़की से शादी करके उसकी जिम्मेदारी उठा सकूं। उसकी पढ़ाई पूरी होते ही मैं अपने घर वालों को आपसे मिलने के लिए बुलाऊंगा, लेकिन इस वजह से मुझे रिजेक्ट मत करना अंकल। हाँ बोल भाई। कंस्ट्रक्शन का काम कैसा चल रहा है? CMDA को मैंने अप्रूवल के लिए प्लान दे दिया है, 10 दिन में मिल जाएगा। थैंक्स। हम लोग साइट पे शाम को बोर्ड लगा रहे हैं, तू आ रहा है ना? आऊंगा। भाई हमारे पैसे निकल तो जाएंगे ना? ए, हमने बोर्ड लगा दिया यार, कल से फोन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सब बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट का धंधा डाउन चल रहा है अभी। वो तो वैसा हमेशा कहते हैं, फिक्र मत कर यार,
लेकिन आजकल बहुत सारे फ्लैट्स खाली पड़े हैं। हम एक स्क्वायर फीट 4000 में दे रहे हैं, दूसरी जगह 4500 चल रहा है। कार पार्किंग स्पेस भी तो दे रहे हैं ना हम लोग। डिजाइन भी अच्छा बनाया है भाई। हाँ, देखना कल सुबह से इंक्वायरी आना शुरू हो जाएगी। हेलो, एसपी कंस्ट्रक्शंस। जी हाँ बोलिए। फ्लैट की इंक्वायरी करनी थी, आपका ही कंस्ट्रक्शन है ना? हाँ सर बिल्कुल, मेरा ही कंस्ट्रक्शन है। ए, मैंने कहा था ना इंक्वायरी आना शुरू हो जाएगी। देख ऐसा है कि अगर हम ना बोलिए सर, 2 BHK 3 BHK आपको जैसा चाहिए वैसा हम ऑर्डर भी दे सकते हैं सर। तुम्हें जो चाहिए वो करो, पर अपनी जमीन पे, किसी और की जमीन पे नहीं। क्या कहा तुमने? जिस जमीन पे बोर्ड लगा रखी है वो मेरी जमीन है। हेलो, हमने पिछले हफ्ते ही तो रजिस्ट्रेशन करवाया है। मैंने 2 साल पहले ही रजिस्टर किया है और सरकार से इसका अप्रूवल भी लिया हुआ है, जाकर चेक कर लो। समझ गए ना? ये क्या है, बड़े कंस्ट्रक्शन में पहले काम नहीं किया? तुमने उनके डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं चेक किए? ये आप क्या कह रहे हैं सर? जो जमीन तुम खरीद रहे हो ना वो लिटिगेशन प्रॉपर्टी में आती है, कोर्ट में उसका केस चल रहा है। सर हमने खरीदने से पहले सब चेक किया था। क्या चेक किया है तुमने? ये जगह 2 साल पहले किसी और के नाम पे रजिस्टर हो चुकी है, उसे अप्रूवल भी मिल चुका है, पर 6 महीने पहले ही जयरामन ने भी उसे रजिस्टर करवाया है। पोजीशन लेने के दौरान ही उसे पता चला कि उस पर ऑलरेडी केस चल रहा है। सर ऐसे में आपने उसे अप्रूवल कैसे दे दिया? वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। हमारा जॉब इतना है कि हम स्पॉट पर जाके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें और करेक्ट हुआ तो अप्रूवल दे दें। ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पहले से जानता हूँ, वरना हमने तुम्हारा भी अप्रूव कर दिया होता और जब बैंक से लोन लेते या कंस्ट्रक्शन शुरू करते तब तुम्हें पता चलता। सर तो अब क्या करें हम लोग? अब तो बहुत मुश्किल है, आसानी से इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो जिसने बेचा है उससे सब क्लियर करो और अपने सारे पैसे वापस ले लो, और कोई चारा नहीं है। सर अगर पहले से कोई केस चल रहा था तो आप उस आदमी को अप्रूवल कैसे दे सकते थे? जब डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं थे तो आपने हमें पहले क्यों नहीं रोका? ए सरवन, सरवन मेरी बात सुन। हमारे पास रोज 100 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हर जमीन 10 लोगों के नाम पे रजिस्टर हुई होती है। हम जितना भी केयरफुल हो धोखा खा ही जाते हैं, हमारे सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं। देख शरवन, उसने पूरे शहर में अपने विजिटिंग कार्ड्स बांट दिए होंगे यार, तू और मैं बुरे फंस गए यार। अरे भाई लेटर्स बहुत सारे हैं, हम लोग पड़ोसी हैं उसे पूछ लेते हैं। क्या हुआ? ये सामने शास्त्री लैंड ब्रोकर रहते हैं। पता नहीं, हम 6 महीने से यहाँ पर हैं, तब से इस घर में ताला लगा है। जब हम उसका घर ढूंढ रहे थे तब उसने हमें फोन करके ऑफिस बुलाया था, याद है? सर ये शास्त्री जी कहाँ मिलेंगे? शास्त्री? कौन शास्त्री? सर वो गोरा सा आदमी, सर पर टीका लगाता था। वो आदमी यहाँ कभी कभी आता है, लेकिन ये मेरा ऑफिस है। उसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए थी यार, गलती हो गई। अभी भी देर नहीं हुई है, हम प्रभु को बताकर उसके आदमियों को बुलाकर उस शास्त्री के बच्चे को पीटेंगे, तभी वो हमारे पैसे हमको देगा। उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्यों यार? अरे वो बेचारा पहले ही बहुत डरा हुआ है कि कुछ गलत ना हो जाए। मेरे कहने पर उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, देख उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना पता नहीं वो क्या करेगा। MD से उस आदमी के बारे में पूछे क्या? सुंदर के आने से पहले हमें पैसे लेने ही होंगे, समझा? भाई को जमानत मिल गई, वो 10 दिन में आ जाएंगे। तूने मुझे कभी उस ऑफिस में बैठे हुए देखा है? वो 1 नंबर का झूठा है। उसने अपनी बातों से हमें धोखा दिया सर, अब हम हमारे पैसे कैसे वापस? मुझसे क्यों पूछ रहा है? मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता। कमिश्नर ऑफिस में जाओ, वहाँ लैंड ग्रैबिंग की एक विंग है जिसे राजेंद्र चलाते हैं। मेरा नाम बता के वहाँ एक कंप्लेंट लिखवा दो, देखो वो क्या कहते हैं, फिर हम वैसा ही करेंगे। ठीक है सर। हम लोगों को पूरे 3 दिन हो गए हैं। कार्तिक सर, उसने तो अपनी नौकरी छोड़ दी, तुम कहाँ जाने वाले हो? सर बस 2 दिन और, शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। शास्त्री के नाम पे पहले ही 5 कंप्लेंट्स हैं, उसका कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो आप केस करके क्या फायदा उठा लोगे? क्यों सर? किसी को पता नहीं कि कब केस खत्म होगा और वो कोर्ट में जाएगा। अगर वो तुम्हारे फेवर में भी होता है तो भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे केस में ज्यादा से ज्यादा उसे 6 महीने की सजा हो सकती है, बस और कुछ नहीं। सर अब हम क्या करें? उसे पकड़ने की कोशिश करो, और जो उसके पास बचे हुए पैसे हैं वो तो कम से कम ले सकते हो। हमने उसे हर जगह ढूंढा सर। ये फ्रॉड लोग हैं, अपना असली एड्रेस कभी नहीं देते हैं। 5 महीने पहले उसके खिलाफ एक कंप्लेंट आई थी और उसे फॉलो करते हुए पेट्रोल पुलिस ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसका एड्रेस
आयन नंबर कम रोड पे एसबीआई अपार्टमेंट्स। अरे भाई ये एसबीआई अपार्टमेंट कहाँ पर है? आप राइट लेके लेफ्ट। ओके थैंक यू। अरे सर रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? शास्त्री। शास्त्री कौन? शास्त्री गोरा मोटा सा आदमी, ब्रोकर। फ्लैट नंबर? हेलो, हम पहली बार उससे मिलने आए हैं, यहीं पर रहता है वो। अरे सही पता पूछ कर आइए, सही पता बिना हम अंदर नहीं छोड़ सकते। जाइए जाइए यहाँ से। चलिए जी। किचन में पानी नहीं आ रहा है। शास्त्री नाम का कोई रियल एस्टेट ब्रोकर यहाँ पर रहता है? नहीं नहीं मुझे नहीं पता। अरे वो सर गेट के सामने मत रुकिए, अब जाइए। हाँ ठीक है हम जा रहे हैं। ओके मैं निकलता हूँ। ठीक है सुन, चल के इससे पूछते हैं। अच्छा भाई कोई शास्त्री यहाँ पर रहता है क्या? मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ अगर एड्रेस नहीं बताओगे तो? इतने बड़े अपार्टमेंट में एक आदमी को कैसे ढूंढेंगे? मुझे भी नौकरी ज्वाइन किए एक महीना ही हुआ है। गोरा मोटा सा सर पे टीका लगाता है, रियल एस्टेट ब्रोकर है। वो कभी कभी यहाँ पे आता है, वो भी पीछे वाली गेट की तरफ से। आप चाहो तो वहां जाके देख लो, वो लेफ्ट साइड में। ओके हाँ जी हाँ जी, उधर चले पीछे लेफ्ट साइड। थैंक यू। सुबह होने वाली है, क्या वो अभी आएगा? एक काम कर तू जा, तुझे कल काम पे भी जाना है। टेंशन मत ले, मैं संभालूंगा, तू जा। नहीं मैं वेट करूंगा। वो अगर आए तो मुझे फोन कर देना। हाँ जी ठीक है ठीक है। चल चलते हैं। हाँ बोल प्रभु। भाई हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। सुंदर बेल पे बाहर आने वाला है, वो अगले हफ्ते तक आजाद हो जाएगा, मैक्सिमम 10 दिन में। तब तक हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा वरना हम पकड़े जाएंगे। लेकिन यार एक छोटा सा कंफ्यूजन है। क्या हुआ? उस शास्त्री ने हमें डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स देकर धोखा दिया। तू ये क्या कह रहा है? सुंदर हमें जान से मार डालेगा यार अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो। मैंने तुझसे कितनी बार पूछा था पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, पूछा था या नहीं? तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तेरी वजह से मैं मुसीबत में फंस गया। छोड़ यार। सुन तो, वो मुझे मार डालेगा। बात तो सुन यार, तू ऐसे छोड़ मुझे। अरे मैंने अपने बॉस से बात की है, कमिश्नर ऑफिस में उन्होंने बात पहुंचा दी है, हमें पैसे जरूर मिलेंगे। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस पैसे चाहिए। पैसे कहीं से भी लाके दो, समझा? प्लीज मुझे पैसे लाके दो। अरे तू डर मत ऐसे यार, हम कमिश्नर ऑफिस जाके एड्रेस लेके उस आदमी को ढूंढ के पैसे वापस ले लेंगे। तू डर मत ऐसे, मुझे पैसे चाहिए। सुंदर के आने से पहले हम पैसे ले लेंगे उससे। मुझे मार डालेगा, मार डालेगा वो मुझे। मुझे मुझे मेरे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे चाबी लेना तो भूल ही गया। इतनी जल्दी जा रहा है, 10 मिनट रुक, नाश्ता बन रहा है। मैं बाद में खा लूंगा। अरे सुनिए, आप उससे पूछिए ना क्या हुआ है। 2 दिन से देख रही हूँ, कुछ मायूस सा लग रहा है। काम में उलझा हुआ होगा और क्या, वो दूसरे लड़कों की तरह शराब तो नहीं पीता। कम से कम उसे सिर्फ काम की ही टेंशन होगी, उसे डिस्टर्ब मत करो। भाई इस अपार्टमेंट में शास्त्री नाम का कोई है क्या? नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता है। ए सरवन, दो बज गया, चल चाय पी के आते हैं। नहीं तू जाके पी ले। अरे चल मेरे साथ, तूने कुछ नहीं खाया, चल।
ए कार्तिक, वो देख शास्त्री, क्या हुआ है? हाँ यार, पहचाना क्या? हाँ, नहीं पहचानता हमें? श्रवण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह से इंडिसेंट बिहेवियर क्यों कर रहे हो? सी व्हाट्स द टाइम? ए फ्रॉड, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करेगा, फोन को स्विच ऑफ रखेगा, तूने क्या सोचा? ढूंढ नहीं पाएंगे? कौन फ्रॉड है? मुझे मेरे मोबाइल स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत है? शास्त्री, व्हाट हैपेंड? व्हाट इज हैपनिंग? नथिंग, नो प्रॉब्लम। तुम्हारे पति ने हमें धोखा देकर हमसे 20 लाख रुपए ले लिए। बात करनी है तो मुझसे करो ना, मेरे परिवार को बीच में लाने की क्या जरूरत है? और बेवजह यहाँ रात को हल्ला कर रहे हो, मैं पुलिस को बुला लूंगा। तेरे पुलिस को बुलाने से पहले मैं पुलिस को बुला लूंगा। फैमिली के सामने फ्रॉड कर रहे, ढोंगी कहीं का। इज्जत से बता, पैसे कहाँ पर है? स्टॉप दिस नॉनसेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिंग टू माय हाउस एट दिस ब्लडी आवर एंड बिहेविंग इनडिसेंटली? निकलो यहाँ से, फौरन निकलो। ए, तूने मुझे किसी और की जमीन बेची, अब मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा है? तू वापस हमें उल्लू बनाएगा? तुझे किसने कहा था कि उसका ओनर मैं ही हूँ? उस जगह का ओनर जयराम है। मैं सीएमडीए को अप्रूवल के लिए गया था तो उन्होंने कहा कि वो जमीन किसी और की है, और तो और उस पर केस भी चल रहा है। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतनी रात को मेरे घर पर आकर हल्ला कर रहे हो? कम से कम ठीक से पूछ लेते तो मैं बता देता ना। ये छोटी सी बात है, अपना मुंह बंद कर, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो जमीन मेरी नहीं होती तो क्या कोई नेशनलाइज बैंक मुझे उस पर लोन देता? बोलो, बताओ बताओ, देता क्या? सुनो, वो बैग यहाँ पर लाओ। सुनो, अगर कोई मेरी जमीन पे जाली डॉक्यूमेंट बना के रजिस्टर करता है तो तुम उसके लिए मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? ये लो, तुम अंदर जाओ। ये देखो, बैंक से जो मैंने लोन लिया है उसके डॉक्यूमेंट से लो, खुद चेक कर लो। लो देखो, तुम पे मुझे भरोसा नहीं है, तेरे पे चीटिंग केस चल रहे हैं। तू चुप कर सरवन, हम तुम पे कैसे विश्वास करें? ऐसा कौन सा आदमी जिसके खिलाफ केस नहीं होगा? मैं पिछले 24 साल से ब्रोकरेज का काम कर रहा हूँ। मोर देन 10,000 प्रॉपर्टीज आई हैव डील्ड विद। कुछ गलत हुई होंगी, कुछ सही हुई होंगी, केस हुआ है, मैंने सारे अच्छे सौदे किए हैं, और अपनी जिंदगी में ये सब देखते हुए मुझे एक अरसा हो गया है। सर, हम डर गए थे इसलिए ये सब हो गया। आप अपनी जमीन अपने पास रख लो और हमें हमारे पैसे दे दो। देखो बेटा, कल हम बैंक चलते हैं साथ में, और वहाँ पर तुम खुद आराम से पूछताछ करना। अगर मैं गलत साबित हुआ तो तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। कोई भी नेशनलाइज बैंक किसी भी जमीन पे तब तक लोन नहीं देती जब तक कि वो जमीन क्लीन ना हो, और ये चीज इस डॉक्यूमेंट में साफ लिखी हुई है, तुम इसे आराम से पढ़ के देख सकते हो। मुझे तुम्हारी अप्रोच अच्छी लगी इसलिए मैंने तुम्हारे साथ सौदा किया। ए, क्या हुआ? वो कह रहा डॉक्यूमेंट्स अगर ठीक नहीं होते तो बैंक वाले लोन देते ही नहीं। हमने सोचा मैनेजर से एक बार बैठकर बात कर लेते हैं। आइए बैठिए। क्या डाउट्स क्लियर करनी है? सर, मैंने इनसे जमीन लेकर उसे रजिस्टर कराया, बाद में पता चला वो किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है। मुझे सीएमडीएस से अप्रूवल भी नहीं मिल रहा है, और उस जमीन पर और भी केसेस चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो इन्हीं की है और उस पर इन्हें 75 लाख का लोन मिला है। सच है। ये देखिए, ये है लोन के पेपर्स। बोल भाई मंगेश। ए सुन भाई, आज छूट रहे हैं, तुम कहाँ पे हो? जल्दी आ जाओ। कलेक्शन करने आया हूँ। सब करेक्ट तो है ना? ये देखो। करेक्ट है सर। आज से 2 साल पहले उस प्रॉपर्टी पे उन्होंने लोन लिया था, लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि वो ये जमीन बेचना चाहते हैं। सब कुछ सेटल करके वो डॉक्यूमेंट्स ले गए। ऐसा ही हमारा सिस्टम, हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ का सर्वे नंबर 111 है, पर उन्होंने सर्वे नंबर 111A पढ़ के डॉक्यूमेंट्स गलत है ऐसा कहा होगा। वहाँ नाम होगा पद्मनाभन, उन्होंने पद्मनाथन पढ़ा होगा और डॉक्यूमेंट्स गलत है कहा होगा। करेक्ट है कि नहीं चेक कर लीजिए। छोटी उम्र है ना, तो ज्यादा फिक्र हो गई होगी। खैर सर, मैं कल खुद इसके साथ सीएमडीए रजिस्टर ऑफिस जाऊंगा और खुद इसके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ए, सुंदर बाहर आ गया, मैं उसे रिसीव करने जा रहा हूँ। जब तक सब कुछ क्लियर ना हो जाए तब तक इस आदमी को छोड़ना मत। मैं संभालूंगा, तू डर मत। मैं अगले सिग्नल पे उतर जाऊंगा, मेरी एक क्लाइंट से जरूरी मीटिंग है। तुम सीएमडीए आ जाओ, मैं सीधा तुम्हें वहीं। नहीं भाई, पहले ये मैटर क्लियर करो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। क्यों, तुम्हें मुझ पर अभी भरोसा नहीं है? भरोसा बाद में कर लेंगे, इन 4 दिनों से हमें बहुत ही नुकसान हुआ है। भाई, आने वाले सिग्नल से राइट लेना। सिग्नल से राइट क्यों?
अरे शांति कॉलेज के पास वेट कर रही है, तो दो मिनट उससे मिल लेता हूँ। तो कितनी देर लगेगी? मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। जल्दी आओ, मेरा एक अपॉइंटमेंट है। चलो भाई हम लोग चाय पीते हैं, आ जाओ। हाय। मुझसे छिपकर रोज मुझे फॉलो कर रहे हो ना तुम? ऐसा कुछ नहीं है। ओह, तो मैसेज करने के बाद ठीक 10 मिनट में यहाँ कैसे आ गए? मैं पासी में था और तब मैंने तुम्हारा मैसेज देखा। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। 97 से ही प्रॉब्लम हो रही है। समझ रहा हूँ, क्या कर सकते हैं? हम भी तो प्रॉब्लम में हैं। हाँ हाँ, सॉल्व करेंगे। ए, चल अंदर चल। अरे कौन भाई तुम? अरे छोड़िए इसे। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़िए, अरे क्या कर रहे हो? अरे मुझे कहाँ घसीट रहे हो? ये कौन सा तरीका है? सरवन, अरे सरवन, आज सिर्फ 10 मिनट की क्लास है, पता है? सरवन, उसके बाद सरवन मुझे सुन। शास्त्री को कुछ लोग लेके जा रहे हैं यार। क्या बोल रहे हैं? चल चल चल, जल्दी चल। तूने ऐसे कैसे जाने दिया? कहाँ पे गए वो लोग? आज की पार्टी के लिए सब तैयार है? सब तैयार है भाई। पापा, ए पापा, गोदी लो ना। आजा मेरा बेटा। बोलो बेटा। आप जेल जाते हैं तो मुझे आपसे मिलने क्यों नहीं जाने देते? तुम्हें वहाँ नहीं आना चाहिए बेटा। पुलिस आपको मारती है? वो हमें नहीं मारती है, जिनके पास पैसे नहीं है वो सिर्फ उन्हें मारती है। सुनो बेटा, सारा हिसाब देख लिया? मैंने हिसाब देख लिया। एग्जाम आ रहा है ना, तो मुझे पढ़ना है। आप एक बार देख लीजिए। अभी बहुत काम है, मैं कल देख लूंगा। प्रभु भैया, कैलाशम चट्टियार के पैसे नहीं आए। उसने कहा कि 2 दिनों में वो पैसे वापस कर देगा। चट्टियार तो कभी इन सब चीजों में देर नहीं करता, पर अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो फिर एक ही रास्ता बचता है, उससे अपनी भाषा में बात करो। उसने वैसे कहा है 2 दिन में वापस कर देगा। ए, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था, उसे ऐसे कैसे जाने दिया? उसे किडनैप कहाँ किया गया था? वो मैं, अरे वो जो चाय की शॉप है ना, हम वहाँ पे चाय पी रहे थे, तभी कुछ लोग गाड़ी में बैठा के उसे ले गए। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ और तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैंने चट्टियार के नाम पे पैसा लिया और उसका इंटरेस्ट भी दिया, अब वो सोच रहा है कि चट्टियार का पैसा गया कहाँ। ए, उसी का फोन है यार, बात करना। अरे कहाँ गए थे यार, सुबह से बहुत ढूंढ रहे थे तुम्हें, और तुम्हारा फोन भी कब से स्विच ऑफ आ रहा था। नहीं सुनो, कौन है वो लोग? वो समय तुम्हें मिलके बताऊंगा। अभी तुम कहाँ पर हो? मैं अपनी कॉलोनी में हूँ। हाँ, तो तुम वहीं पर रुको, मैं आधे घंटे में वहाँ आ रहा हूँ। क्या हुआ? वो आधे घंटे में यहाँ आ रहा है। उसे वहीं पर रोक के रखो, कहीं जाने मत देना। मैं आधे घंटे में वापस आऊंगा, ठीक है? इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कौन थे वो लोग? अरे रुको, मैं आ गया हूँ ना, रुको। पहले उन्होंने तुम्हें अगवा किया और उसके बाद तुम्हें वापस छोड़ रहे हैं, कहाँ गए थे तुम? देखो, मुझे उन्हें 1 लाख रुपया देना है। हाँ तो दे दो। अरे होते तो दे नहीं देता क्या? देखो अभी फिलहाल मेरे पास कैश नहीं है। मैंने उनसे कहा कि सुबह बैंक खुलते ही मैं उन्हें दे दूंगा, लेकिन वो यकीन नहीं कर रहे। तो कुछ करो, उन्हें 1 लाख रुपया दे दो, मैं तुम्हें कल सुबह बैंक से दे दूंगा। तो ये उन्हें जाके बताओ। मेरी बात पे वो यकीन कहाँ कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे वो किसी की भी बात नहीं सुनने वाले, उन्हें वो पैसा अभी के अभी चाहिए। सुनिए, असली मैटर क्या है? देखो वो शर्ट पे आदमी दिख रहा है ना, उसने मुझसे उसके भाई को पुलिस में नौकरी दिलाने को कहा, तो मैंने उसे अपने एक दोस्त से मिलाया जिसने नौकरी दिलाने के बदले 1 लाख रुपए इनसे ले लिए, पर नौकरी उसे दिलाई नहीं। अब वो कह रहा है कि मुझे उन्हें पैसे वापस देने होंगे क्योंकि मैंने ही इन्हें उस शख्स से मिलाया था। तो बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? सर ये सब क्या है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, बोलो ना। 1 मिनट सुनो, मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ बात करो। सर उन्होंने हमें सब कुछ बताया, आप बस सुबह तक इंतजार करो, कल सुबह बैंक खुल जाएगा। उसने मुझसे कहा कि मुझे पैसे तुम दोगे, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे दे दो वरना हम उसे ले जाएंगे। सर वो कह रहा है ना वो सुबह पैसे दे देगा। अरे भाई बहुत देर से वो यही बात बोल रहा है। अच्छा छोड़ो, हम उसे संभाल लेंगे। सर उसे कल CMDA हमारे साथ आना होगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमें उसकी बहुत जरूरत है सर, आपकी तो सिर्फ 1 ही लाख की बात है ना, मेरे तो 20 लाख उसके पास फंसे पड़े हैं, समझने की कोशिश करो। सुनो भाई, ये आदमी हमेशा ऐसा ही कुछ करता है और फिर हमें बेवकूफ बनाकर भाग जाता है। पैसे दे दो और इसे ले जाओ। सर 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 प्लीज सर, सर ये सब कुछ नहीं चलेगा। ए, उसे कार में डालो। सर 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 रुकिए सर, उसे रोकने को कहो सर। चलो वो बुला रहे हैं आपको। चलो एक मिनट, सुनिए 1 मिनट। देखो श्रवण, तुम इन्हें मुझे ले जाने दे रहे हो, मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर ये सुन ही नहीं रहे। मेरे लिए 1 लाख रुपए को बड़ी बात नहीं है, तुम्हें पता है ना, क्या मैं सुबह इन्हें दे नहीं दूंगा? श्रवण मैंने सोचा था कि मेरी कोई गलती नहीं तो मैं इन्हें पैसे क्यों दूं, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि मुझे इन्हें इंसानियत के नाम पे पैसे दे देने चाहिए।
इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो भाई मुझे ले चलो। एक मिनट भाई, भाई मुझे एक घंटे का टाइम दो, मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा। ठीक है, एक घंटे में तैयार रखो। कार्तिक तेरे पास कितने हैं? मेरे पास कुछ 20,000 होंगे यार। ठीक है जाके लेके आ, इनको अकेला छोड़ दे। अरे तू देख लेंगे, दोनों गुंडे यहीं खड़े हैं क्या, वो काफी नहीं है? जाओ जाके इंतजाम करो, जल्दी जा। अरे सर मैं एलआईसी एजेंट हूं। अच्छा पापा, आपके पास कुछ पैसे हैं? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? पापा सीएमडीए के अप्रूवल के लिए बहुत ही देरी हो रही है, किसी ने कहा कि अगर मैंने उन्हें पैसे दिए तो वो काम जल्दी हो जाएगा। कितने? आपके पास जितने हो वो दे दो पापा। ठीक है। दीदी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मुझे लगता है कुछ 5,000 होंगे। ठीक है मुझे दे दो। ठीक है, इतना जरूरी क्या है, सुबह नहीं कर सकते क्या? अगर उन्हें अभी पैसे दे दूंगा तो सुबह तक काम हो जाएगा। ये ले पूरे 20 है। कितने? अरे पूरे 20 है। हाँ प्रभु बोल भाई। हाँ वो कहाँ पे है? हमारे साथ में। ठीक है उसे जाने मत देना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है तू आ जा। सर इसमें 60,000 हैं, बाकी क्या मैं आपको सुबह तक दे दूंगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना प्लीज। मैं सुबह तक ही इंतजार करूंगा, ऐसे तैयार रखना। ठीक है? ठीक है। गाड़ी निकाल। हाँ सर आप राइट लेके वहां से सीधा चलो, मैं बस आ ही रहा हूँ। ओके। इस समय तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर नमस्ते सर, आप तिरुपति जी के दोस्त हैं क्या? मैं तो ऐसे किसी को नहीं जानता। चुप रही है ना। सॉरी सर, सॉरी। हैं कहाँ जा रहे हो आप? वो मैं सत्यमंगलम जा रहा हूँ ना, उसी के लिए। हाँ ठीक है जाइए। श्रवण बहुत बहुत थैंक्स, करेक्ट टाइम पे तुमने मेरी हेल्प की, अब मैं चलता हूँ। यहीं पे रुकना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफिस और सीएमडीए का काम क्लियर करो और उसके बाद जाना, समझे? सुनो एक मिनट, मेरी बीवी और बच्चे डर गए होंगे क्योंकि कल तुमने जिस तरह से हल्ला किया था वो काफी खतरनाक था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ, नहाकर कुछ खाकर जल्दी वापस आता हूँ। जल्दी आओ। हेलो, तुम कल ऐसे भाग क्यों गए थे? जब हम मिलेंगे तब मैं बता दूंगा, अभी कहाँ पर हो तुम? मैं माँ के साथ सुपरमार्केट आई हूँ। तुम्हारे और प्रभु के बीच कुछ पैसों को लेकर प्रॉब्लम है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो पापा कह रहे थे कि तुम्हारा एटीट्यूड ठीक नहीं है, तुमसे मिलना नहीं, बात नहीं करना। अच्छा, मुझे बस 2 दिन का समय दो, मैं आके तुम्हारे पापा से बात करूंगा। ठीक है। ए सरवन, हाँ? बहुत देर हो गई वो वापस नहीं आया यार, चलकर देखते हैं। कौन है आप लोग? शास्त्री सर। कौन शास्त्री? क्या कौन शास्त्री, आपका हस्बैंड। आइए अंदर। वो आदमी मेरा हस्बैंड नहीं है, वो आता है 2 दिन रहता है चला जाता है। और वो लड़कियाँ? वो वही है जो तुमने कल देखी। मैंने उसे अंदर आते हुए देखा है, उसे जल्दी से बुलाओ पहले। हाँ वो यहाँ आया था पर यहाँ बस 2 मिनट ही रुका, शायद अपना बैग लेने आया था और चला गया। ये हम लोगों की काम करने की जगह है, प्लीज आप लोग जाइए। रुको मैं जाके चेक करता हूँ। हेलो मैंने कहा ना यहाँ पर कुछ मत कीजिए। उसने कहा कि वो मुझे तभी पैसा देगा जब मैं तुमसे ऐसा कहूंगा। आदमियों को मुझे पकड़ने को भेज के और केस दर्ज करके कोई फायदा नहीं होगा, मैंने तुम्हारे तरह के 100 मैनेजर देखे हैं। देखो मैं एक पार्टी को बैंक ले आऊंगा, लोन के डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं, बस तुम्हें उन्हें यही कहना है कि उस डॉक्यूमेंट पे हमने लोन दिया है, बाकी सब मैं संभालूंगा। hey, तुम क्या चाहते हो कि मैं किसी को धोखा देने में तुम्हारी मदद करूं? मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। तो ठीक है ले लो, 6 महीने के लिए चीटिंग केस में अंदर हो जाऊंगा बस और क्या, पर तुम मेरे पास से एक फूटी कौड़ी नहीं निकाल पाओगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक धोखेबाज आदमी की मदद करेंगे। उसने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स देकर हमारी बैंक को धोखा दिया है, उसने 30 लाख रुपए लिए हैं, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो हम सबकी नौकरी चली जाती। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, हम कर भी क्या सकते थे। सर हमने 1.5 महीने पहले एक जमीन रजिस्टर करवाई थी। ठीक है, पर वही जमीन किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है। ओके, क्या आप वेरीफाई करके बता सकते हैं किस तारीख को रजिस्टर किया था? 11 फरवरी 2014। 9 दिसंबर साल 2012 को ये जमीन जयराम के नाम से रजिस्टर हुई। सर किसी शास्त्री नाम के आदमी ने हमारे लिए रजिस्टर की थी, वो उससे जाकर पूछिए। सर देखिए सर, इस केस में आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, रजिस्ट्रार ऑफिस में हम आप पे भरोसा करके आए थे, रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से यू हैव टू बी रिस्पांसिबल। आपके बोलने से नहीं होगा ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस सब साफ साफ लिखे हैं, बेचने वाले और खरीदने वाले को सारे डॉक्यूमेंट्स को ठीक से जांच करना चाहिए, इस विषय में रजिस्टर ऑफिस किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ सर बोलिए। सुनो जल्दी से
सर जल्दी आ जाओ, समझा? ओके सर। अरे घर उस तरफ है, तू कहाँ जा रहा है यार? अरे मैं बहुत ही खोया हुआ हूँ यार। भाई तू ज्यादा टेंशन मत ले, एमडी मुझे बुला रहा है, मैं उससे मिलकर आता हूँ, तू आराम से घर चले। ठीक है, तू जा। अरे जरा गाड़ी रोको। तुम जा सकते हो। शरवन, शरवन, तुम यहां पे क्यों लेटे हो? कुछ नहीं मामा। हमेशा कुछ नहीं मामा, कुछ नहीं मामा, क्या बात है बताओ तो। मामा उस शास्त्री ने मुझे धोखा दे दिया, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कौन शास्त्री? वही जो उस दिन कॉलोनी में आया था ना, आप मिले भी थे उससे। वही ना जिसने व्हाइट कपड़े पहने थे? हाँ वही। ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे भरोसा नहीं है क्या? ठीक है अभी तुम जाओ, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। क्या भाई बहुत दिनों बाद। कैसे हो भाई? मैं तो बढ़िया हूँ। तुम सत्यमंगलम के जंगल में गए थे ना, जंगली हाथी देखने के लिए, वहाँ पे रेड ऑफिसर नहीं था क्या? वही तो तुम लोग कितने सालों से कहते आ रहे हो कि तुम बस थोड़ा सा मिस हो गए। ठीक है, शशि है क्या? हाँ वो है, जाके मिल लो उससे। ठीक है आओ। अंकल आपके काम में कुछ लफड़ा हुआ क्या, बताइए। अरे ये बात नहीं थी, मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से बच के आया था। हम बस कुछ ही फीट की दूरी पे थे उस जंगली हाथी से। हाँ? हमारे गाइड ने उस जंगली हाथी पे निशाना लगाया था, पर तभी वो ऑफिसर आ गया, सारी मेहनत बेकार हो गई। अरे हम का कह रहे हैं कि मिनिस्टर ने ना हमारी कौनो बात नहीं मानी, कौनो पे भरोसा ना कर भाई। आजकल लोग टोपी पहनाने बहुत नंबर वन हो गए हैं। अरे कहते कुछ और है, करते कुछ और है, समझे ना। हाँ हाँ कहिए, का सेवा करें हम आपकी, चाय पियेंगे का? नहीं नहीं मैंने अभी चाय पी है। अच्छा बताइए कैसे आना हुआ यहाँ पर? तो तुम्हें शास्त्री के बारे में पता है क्या? कौन शास्त्री? अरे वही रियल एस्टेट वाला फ्रॉड। ओको हम अरुण मेंशन पे रमेश के साथ देखे थे। ओहो वो वहाँ पे मुझे मिलेगा? हाँ वही मिलेगा भाई। अच्छा भैया सुनिए ना, तनिक 50 रुपया दीजिए ना। क्यों, फोन रिचार्ज करने के लिए? नहीं पेट पूजा करके लाने। ऐसा ही है तुम्हारा काम, चलो रख लो। अच्छा भैया आइएगा फिर। चलो आ जाओ आ जाओ। देखो सरवान तब लोग ऐसे ही है, यही मिनिस्टर से बात कर रहा था। अरे ये लोग तो वो है जो ओबामा और बिल गेट से भी बात करते हैं, तुम देखना। तुम जिद कर रहे हो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने ही डॉक्यूमेंट्स बनाए थे पर उसने मुझे पैसे तक नहीं दिए। वो अभी कहाँ पे मिलेगा? और कहाँ, दूसरी पार्टी की तलाश में होगा। अगर वो आपको मिला तो आप बता सकते हैं हमें? इन झमेलों में आप क्यों पड़ रहे हो? आपका डॉक्यूमेंट्स तो पूरा है ना और रजिस्टर भी हो गया है। सुनो आप मुझे बस एक हफ्ते का समय दो, मैं आपके लिए दूसरी पार्टी ढूंढता हूँ इसे बेचने के लिए। मैं आपको इससे ज्यादा दिला दूंगा, 50 लाख तक। मुझे किसी ने धोखा दिया इसलिए मैं किसी और को धोखा नहीं दे सकता। रमेश ये लोग वैसे आदमी नहीं है, ये लोग बहुत मुश्किल में है, मदद करो यार। अरे वही तो कर रहा हूँ लेकिन ये टेंशन ले रहा है। एक मिनट ये पकड़ो, बाहर जाओ। हाँ बोलो शांति। मैं रात भर सो नहीं पा रही हूँ, पता नहीं तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे 2 दिन डिस्टर्ब मत करो प्लीज। तुम कहते हो प्रभु और तुम मुसीबत में नहीं है, पर मैंने सुना तुमने उसे धोखा दिया। पापा हेलो शांति, हेलो हेलो। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे तुमने तो कहा था कि उसने ब्याज नहीं दिया है, पर वो कहता है कि उसने तुम्हें ब्याज दे दिया है। जाओ जाकर पूछो। नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। देखो तुम गलत मत समझना, हमने फोन किया तुमने हमारा फोन उठाया नहीं ना, तो हम खुद ही आके पैसा दे दिया। अच्छा चलता है। देखो मुझे ये जात पात में नहीं पड़ना है, मेरे पास हर जात के लड़के हैं और वो सभी मेरे लिए ही काम करते हैं। वो चाहे किसी भी जात के हों, मैं सब पर एक जैसा विश्वास करता हूँ। तुम्हें जो पैसे चाहिए ले लो, लेकिन याद रखो इन सब बातों के बारे में मुझे कभी डिस्टर्ब मत करना। ए महेश वो ऑटो में कौन है? चलो चलो जल्दी चलो। कोई नहीं है भाई। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि चेटियार ने पैसे नहीं दिए? भाई वो क्या, मुझे अब सारा हिसाब चाहिए तुमसे। तूने कितने कितने पैसे लिए हैं और किसको दिए हैं वो सब की एक लिस्ट बनाकर दे मुझे। जा और सारे पैसे ला कर दे। भाई वो एक छोटी सी गलती हो गई। मैं गलत था भाई। तू गलत था है? मैं तुझे यहाँ पर जान से नहीं मार सकता हूँ।
ये क्या है, अपने कपड़े पैक करके यहाँ रहने के लिए चली आई? हाँ, मुझे उनसे बात नहीं करनी है, आपको करनी है तो करो। आजकल तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो रही हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे लेके किसी और को कर्जा देने की? मुझे दो दिन का समय दो भाई, 20 लाख के लिए दो दिन का, सिर्फ दो दिन का समय दो भाई। तू सारा हिसाब 2 घंटे के अंदर सेटल करेगा, समझ गया? भाई मुझे 2 दिन का समय दो भाई, मैं सारे पैसे कुछ भी करके चुका दूंगा भाई, चाहे मुझे अपना घर बेचना पड़े। अरे उसकी इतनी हिम्मत, देखो वो मुझे शर्मिंदा कर रही है। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, अभी वो छोटी है, इतना गुस्सा मत करो, मैं देखती हूँ क्या करना है, अब मैं बाद में फोन करती हूँ। माँ ये सुंदर भाई है। नमस्ते। नमस्ते। आपके बारे में बहुत सुना है पर पहली बार मिल रही हूँ, बैठिए ना। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ये आप ही का घर है? हाँ, इसके पापा ने बस यही एक चीज छोड़ी थी। शांति, माँ का फोन है, बात करो। हेलो, क्या हुआ माँ? नहीं मैं वापस नहीं आ रही, मेरी बहन की बेटी है। मैंने कहा था यही रहूंगी। प्रभु ने बताया था इसके बारे में। मैं उस जेल में नहीं रह सकती। बहुत सुंदर लड़की है ये, इसके लिए लड़का नहीं देखा अभी तक कोई। सॉरी माँ, इतनी जल्दी नहीं है, अभी वो पढ़ाई कर रही है। सही कहा। नहीं नहीं ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, प्लीज जबरदस्ती मत करो माँ। हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ। चलो चलते हैं। तुम्हारे उस दोस्त का घर किधर है? वो उस तरफ। हाँ वहाँ चलते हैं। भाई 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 भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, उसके माँ बाप को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो मेरे पैसे देने से पहले सोचना था ना। आइए। सरवन कहाँ पे है? वो तो सुबह ही निकल गया। ये कौन है? ये कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में सरवन से मिलना चाहते थे। अंदर आइए ना। नहीं कोई बात नहीं, मैं हम लोग फिर से पापा ये सरवन से मिलने आए हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये आपका अपना घर है? हाँ सर, ऑफिस से लोन लेके खरीदा था, 6 साल पहले खरीदा था। अभी ये कितने का? नहीं पता सर, हमें बेचना नहीं है इसलिए हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं। फिर भी अंदाजन कितने का होगा ये घर? होगा कोई 6 या 6.5 का। आपको श्रवण से क्या काम है सर? वो कंस्ट्रक्शन के काम से। छोटे लड़के हैं सर, थोड़ा इनकी मदद कीजिएगा। आप जानते नहीं हैं, बहुत होशियार लड़के हैं ये लोग, आपको संभालने की जरूरत है, मैं चलता हूँ। ठीक है सर। नमस्ते। ठीक है सर। 6.5 तेरे घर के और 6 इस घर के मिल जाएंगे, बाकी के कहाँ से दोगे? तेरी बहन से शादी की बात कहूँ तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसकी बहन भी ठीक ही है, ये लगभग 25 की तो होगी। भाई दया करके आप ऐसी बातें मत करो भाई। तो कल सुबह तक तू मेरे पैसे मुझे लौटा दे, नहीं तो तेरी बहन का रेट फिक्स करना पड़ेगा। ए, गाड़ी बढ़ा। भाई प्लीज भाई। ए, ऐसे बीच रहा पर क्या कर रही हो तुम? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ सरवन। सॉरी मैं। कम से कम सुबह मेरा फोन उठाकर बात तो कर लेते। तुम प्लीज मेरी हालत को समझो यार। तुम बस अपने बारे में ही सोचते हो, कभी तो मेरे बारे में सोचा करो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हे, तुम रो क्यों रही हो ऐसे? मैंने सुबह अपने पापा से झगड़ा किया और अपना घर छोड़ दिया। मैंने तुम्हें फोन किया लेकिन तुम हो कि कुछ भी सीरियसली लेते ही नहीं हो। मुझे लगता है मुझे खुद को मार देना चाहिए। ठीक है रो मत, कोई देख लेगा। सबको सब कुछ पता है, मैंने घर छोड़ दिया इसलिए प्रभु भैया बहुत नाराज है, वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। प्रभु कहाँ पर है? ए, तू क्या कर रहा है? मेरे पास और कोई चारा नहीं। तो मरने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? बस मुझे 2 दिन दे, सुंदर को पता चलने से पहले हम उसे पैसे लौटा देंगे। उसे सब कुछ पता चल चुका है। कभी वो अपने पैसे से ज्यादा तुम्हारी और मेरी बहन को चाहता। ए, तुझे बोलने में शर्म नहीं आती? ए, तुझे उस आदमी के बारे में क्या पता है? क्या पता है वो औरत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। उसका एक क्लोज फ्रेंड था, उसने उसकी वाइफ का रेप किया और फिर उसे भी मार डाला। उसके बहुत सारे दुश्मन हैं जो उससे बदला लेना चाहते हैं लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं है, समझा?
ए, तू डर रहा है क्योंकि तू उसके साथ रहता था। तू उससे बात कर और उसे मनाने की कोशिश कर। सुनिए, प्रभु और उसका एक दोस्त आपसे मिलने आए हैं। क्या हुआ, इस समय क्या चाहिए? वो सरवन आपसे बात करना चाहता था भाई। ओ, तो मेरे पैसों का रोटेशन में इस्तेमाल करने का आइडिया इनका था। मेरे पैसे लेके कल सुबह आ जाना, तब बात करेंगे। भाई, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। दो दिन का समय तो हम पैसे चुका देंगे। मुझे इस बात से मतलब नहीं कि तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। मैं उल्लू नहीं बनने वाला हूं। मेरे साथ जितने भी लोग काम करते हैं ना, उन्हें अगर ये पता लग गया तो वो सभी मेरे पैसे रोटेट करने लग जाएंगे। और जब उनसे पूछूंगा ना, तो वो भी मुझसे वादा करेंगे कि पैसे दो दिन में लौटा दूंगा। उनके अंदर का डर निकल जाएगा। तुम्हारे दोस्त ने इतने समय तक मेरे लिए काम किया था ना, इसलिए दो दिन का समय दे रहा हूं। वरना तुम दोनों के परिवार को मैं यहाँ खींच कर ले आता और एक घंटे के अंदर अपना मामला सेटल कर लेता। प्लीज भाई, बस दो दिन। दो दिन में पैसे वापस नहीं किए तो क्या करूं फिर मैं? आप जैसा कहोगे मैं करूंगा। ठीक है, जा। दो दिन में चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दो दिन में ले आऊंगा। चलता हूं। ए प्रभु, तू कहां जा रहा है? जब तक ये पैसे लेकर नहीं आ जाता तू यहीं पर रुकेगा। दूसरों की नजर में मैं उल्लू नहीं दिखना चाहता हूं। तू ऐसे डर मत यार, मैं पैसे लेके आ जाऊंगा। हाँ बोलो मामा। श्रवण, शास्त्री गोवा में है, ये बात मुझे रमेश ने खुद बताई है। एड्रेस वो मुझे कुछ देर में भेज देगा, अगर तू वहां जल्दी पहुंच गया तो उसे पकड़ सकता है। ओके मामा। ये लो खा लो। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें पता नहीं वो आदमी कैसा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो अब कुछ खा लो, भूखे रहने से तुम्हारे पैसे नहीं मिलने वाले हैं। खाओ। हाँ मामा, मैं गोवा में हूँ, उसी होटल जा रहा हूँ जहाँ आपने बोला था। लेकिन वो वहीं पर है, ये कंफर्म है ना? अरे बिल्कुल कंफर्म है, रमेश ने मुझे खुद ही बताया। ठीक है, कोई बात नहीं मामा। मामा वो मुझे मिल तो जाएगा ना? तुम्हारा मामा कह रहा है वो वहाँ पक्का मिलेगा। ठीक है मामा। Excuse me. Yes. Is anyone in name of Shastri staying Just here? Just a minute. हाँ, केके ने कहा था कि शास्त्री यहीं पे रह रहा है। पिछली रात भी वो दो लड़कियों के साथ यहाँ था। 10 मिनट वेट करो, मैं पता करके तुम्हें बताता हूँ। भाई प्लीज भाई, थोड़ा हेल्प कर दो। 10 मिनट वेट करो, मैं फोन करता हूँ। ठीक है भाई। बोलो भाई। दुबई से एक आदमी यहाँ आया है, वो यहाँ पर कॉलेज बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन ढूंढ रहा है। अच्छा, वो यहाँ बीच रिसोर्ट में पार्टी दे रहा है। वो वहीं जाने वाला है। वो जगह कहाँ पे है? वो पंजी में चर्च के सामने है। अबे चुप बैठ, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे अरे बाप रे, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अरे मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। देखो सुनो, देखो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा ना। मुझे 20 लाख रुपए अभी चाहिए, वरना मेरा दोस्त वहाँ मर जाएगा। देखो अगर ये मेरी डील हो गई ना तो मुझे इसमें अच्छा कमीशन मिलेगा। मैंने बहुत कुछ सुन लिया, मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए। जब तुम मुझे मारने के लिए आए थे ना, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें दोबारा उल्लू नहीं बना सकता हूँ। देखो मुझे यहाँ शर्मिंदा मत करो, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम करूँगा। हाँ आओ।
अरे भाई मुझे शास्त्री मिल गया है, मैं पैसे लेके आऊंगा और तुझे ले जाऊंगा। जब तुझे पैसे मिल जाएंगे तभी मुझे फोन करना। उसने पैसे कुंभकोणम में रखे हैं, मैं उसके साथ जाऊंगा और पैसे ले लूंगा। हेलो, हाँ बोल सरवन। शास्त्री मिल गया है भाई, बहुत बढ़िया। पैसे मिल गए क्या? मैं पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से कांजीपुरम आने में थोड़ी देर होगी, तो तू वहाँ पर जाएगा क्या? जल्दी से एड्रेस एसएमएस कर मुझे। ठीक है। हेलो। हाँ सुनो, मुझे एक बड़ा सौदा मिला है तो मुझे उन्हें एडवांस देना होगा। चेन्नई से कार्तिक नाम का एक लड़का आएगा, तो मैंने पैसे बड़ी अलमारी में एक हरे रंग के बैग में रखे हैं, वो तुम उसे दे देना। हाँ ठीक है। वैसे तुम आ कब रहे हो? अरे मुझे अभी 2-3 दिन और लगेंगे, अभी तो डील शुरू हुई है, काम खत्म होने के बाद पहुंच जाऊंगा ना। अच्छा ठीक है। यार तेरे एड्रेस पर पहुंच तो गया हूँ, लेकिन यहाँ पर तो लॉक लगा हुआ है यार। एक मिनट रुक जा। ओए, तू फ्रॉड करने से बाज नहीं आएगा? तूने जो एड्रेस बताया उस घर में ताला लगा हुआ है, तुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है कि तुझे फेंक दूंगा नीचे मैं। रुको, मेरी बात सुनो, रुको रुको, पैसे घर पर ही है, मुझे फोन करने दो। ड्राइवर गाड़ी थोड़ा साइड में ले लो। अरे जरूरत नहीं है, तुम गाड़ी चलाते रहो। हाँ बोलो। तुम घर से कहाँ चली गई? मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई पैसे लेने आएगा। अरे राधा मामी बीमार है, हॉस्पिटल में उनसे मिलने गई। राधा मामी जी हमारे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आदमी घर के बाहर वेट कर रहा, जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। अगर वो नहीं आई तो देख मैं क्या करता हूँ। सॉरी बेटा, तुम्हें बहुत देर वेट कराया ना। जी कोई बात नहीं, दरअसल मेरी मामी बीमार है तो हॉस्पिटल में उनसे मिलने गई थी मैं। चलता हूँ। हाँ बोल। ए सरवन, पैसे मिल गए यार। ठीक है जितनी जल्दी हो सके कांचीपुरम आ जा, मैं भी पहुंच रहा हूँ। ठीक है। ओके मैं पहुंचता हूँ। हेलो। ए प्रभु, अरे पैसे मिल गए हैं। हे सच बोल रहा है? अरे हाँ बाबा। कहाँ है तू अभी? अरे मैं बैंगलोर के पास हूँ और मैं वहीं पर आ रहा हूँ, और कार्तिक पैसे लेकर कांचीपुरम आ रहा है। बहुत थैंक्स भाई। ए महेश भाई, ये फोन देख जरा। हेलो भाई, मैं महेश बोल रहा हूँ, बोलो। ए महेश, सरवन को पैसे मिल गए हैं। ए, सुंदर भाई को जरा इन्फॉर्म कर देना। भाई उन्होंने पैसे तैयार कर लिए हैं, श्रवण रात तक लेकर आएगा। ये बात है? ये कोई बात नहीं हुई, मुझे वो लड़कियां चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। ड्राइवर गाड़ी साइड में लगा दो। ड्राइवर वो आदमी आने से पहले ही चलो, फ्रॉड है एक नंबर। अरे क्या कर रहे हो? मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? अरे रुको, अरे सुनो, मुझे बीच रास्ते में छोड़ के क्यों जा रहे हो? अरे अंधेरा होने वाला है और मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। हाँ बोल भाई। कहाँ है तू? तू बताया क्यों नहीं? चल अंदर बैठ। सुंदर सुंदर मुझे घर लेके जा रहे हैं, तू जल्दी आ जा यार। अरे ऐसे कैसे ले जाएंगे? उन्हें बोल कि मैं आ रहा हूँ। मेरे पास पैसे हैं भाई, पैसे हैं भाई, सर से बात कर लो भाई। चल गाड़ी बढ़ा। चुपचाप बैठ। हेलो हेलो। हाँ बोल भाई। हेलो कार्तिक, तू कांचीपुरम मत जा, हमारे कॉलोनी में आ जा। क्यों? अरे सवाल मत कर यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज भाई थोड़ा फास्ट चलाओ ना। भाई प्लीज भाई मेरी बात सुनो भाई, तू बताना क्या। भाई सुनो ना मेरी बात। भाई मुंह बंद रख। भाई भाई
भाई पैसे भी है ना भाई, चुप कर भाई, भाई माफ कर दो भाई, भाई 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 थोड़ा जल्दी भगाओ ना, रोड खाली है तो। हेलो ध्यान से सुन, हमारे चार आदमियों को रघु के घर पर बुला। हाँ। भाई भाई प्लीज भाई प्लीज भाई, ए तू सवाल मत कर, उन्हें लेकर आवा। चुप, भाई 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 भाई, एक मिनट रुको भाई, प्लीज भाई, मेरा दोस्त पैसों के साथ पहुंच रहा होगा। अरे सुनो तो भाई, अगर कॉलोनी में किसी और को पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरे माता पिता को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होगी, प्लीज। मैंने कहा ना नहीं, मैं तुझे बोले जा रहा हूँ। सब क्या है यार, ये तूने क्यों किया? ये मैंने नहीं किया। तो फिर किसने किया? बताया था ना कि उसके कुछ दुश्मन भी हैं, उन लोगों ने ही ऐसा किया है, वो वही है। हाथ खोल दो सर, अगर हमें भागना होता तो हम कब के भाग चुके होते। इसने अपुन के भाभी के साथ रेप किया, इसीलिए अपुन के भाई ने आज मौका देके इसको टपका डाला। अरे मेरे भाई का फोटो तो हर अखबार में आने को मांगता, इसको टपका के अच्छा काम किया उसने। ये आदमी तो हमारे घर आया था ना।
तुम्हारी शर्ट क्यों फटी हुई है? नहीं कुछ नहीं, तुम बस चुप रहो। तुम दोनों मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ। बताओ ना तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो? वो ठीक है, मैंने कहा ना तुमसे, तुम अभी घर जाओ, बाद में बताएंगे। भाई पैसे। ए, मैं बोल रहा हूँ उसे अंदर रख। यार सुंदर कहाँ है? ए, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? अंदर रख उसे। लेकिन क्यों? ए, जितना कहा उतना कर ना यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बोलते रहते हैं। अरे उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग, उन्हें सुंदर की बीवी को दे देते हैं। सुंदर की बीवी से मैं बात कर लूंगा, पैसे हम रख लेंगे। तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करो, बाकी सब मैं संभालूंगा।